हाँ जी, तो मेरा नाम आप लोगों को पता है? कुछ कुछ आइडिया, एनी, किसी को कोई पता आइडिया? नहीं है। मेरा नाम मयंक महेश्वरी है एंड मैं आप लोगों को CA फाउंडेशन का सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पेपर, पेपर नंबर 3 पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है ना? इंटरेस्टिंग है कि नहीं है? सही बोला ना मैंने? गलत तो नहीं बोल दिया? ठीक है। कई बोले सर कहाँ मैथमेटिक्स इंटरेस्टिंग है, मैं तो अकाउंट्स अच्छा लगता है। ठीक है ना? तो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पेपर मैथमेटिक्स पढ़ाने वाला हूँ। अभी जिन लोगों को सच में मैथमेटिक्स अच्छा लगता है उनके लिए पॉजिटिव वे में था, जिनको नहीं लगता उनके लिए सरकास्टिकली था। ठीक है ना? तो मैं आप लोगों को मैथमेटिक्स पढ़ाने वाला हूँ। ये जो पेपर है, पेपर नंबर 3, मेरे हिसाब से तो सबसे इंटरेस्टिंग पेपर है, क्योंकि इसके अंदर कुछ चैप्टर्स हैं जो आपको बहुत कुछ सिखाएंगे, और जो सिखाएंगे वो सिर्फ फाउंडेशन के लिए रेलेवेंट नहीं है, वो चीज़ें आपके फ्यूचर में, ठीक है ना, बुढ़ापे तक रेलेवेंट है। फिर चाहे कोई बच्चा CA करे आगे चल के या ना करे, यानी वो चीज़ें ऐसी हैं जो हर किसी को पता होनी चाहिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ CA कर रहे हो नहीं कर रहे हो। ठीक है? कुछ चैप्टर आपको ऐसे इंपॉर्टेंट लेसन सिखाने वाले हैं, तो इसलिए बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको भी खूब मजा आएगा। अब हमारा पेपर नंबर 3 अगर हम देखें तो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, दिख रहा होगा आप लोगों को। एक आपका बिजनेस मैथमेटिक्स है, एक स्टैटिस्टिक्स है और एक लॉजिकल रीजनिंग है। मतलब CA फाउंडेशन के बारे में और पेपर्स के बारे में हल्का फुल्का आइडिया तो आपको संचित सर ने दिया होगा। ठीक है ना? किसी फाउंडेशन में 4 पेपर्स होते हैं, पहला क्या होता है, दूसरा क्या होता है, तीसरा क्या होता है, चौथा क्या होता है, कौन से पेपर सब्जेक्टिव होते हैं, कौन से पेपर ऑब्जेक्टिव होते हैं। ठीक है ना? कितने आवर्स की ड्यूरेशन होती है पेपर्स की, जैसे पेपर 1 एंड 2 जो होते हैं वो क्योंकि डिस्क्रिप्टिव या लिखने वाले पेपर होते हैं तो 3 3 घंटे के होते हैं, बट पेपर नंबर 3 एंड पेपर नंबर 4 क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर्स होते हैं तो उनकी ड्यूरेशन 2 2 आवर्स की रहती है। ठीक है ना? पेपर चारों ही 100 100 नंबर के होते हैं। आपको पता है आपको CA फाउंडेशन में टोटल कितने सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं? 8 8 सब्जेक्ट्स आप लोगों को पढ़ने हैं। कैसे? देखो भाई, आपका पेपर नंबर 1 जो है इसके अंदर तो एक ही है सब्जेक्ट है, अकाउंट्स, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट पेपर नंबर 2 के अंदर आपको बिजनेस लॉस भी पढ़ना है एंड आपको BCR भी पढ़ना है। कितने सब्जेक्ट हो गए? 4 सॉरी 3। ठीक है ना? पेपर नंबर 3 आपको बिजनेस मैथमेटिक्स भी पढ़ना है, आपको स्टैटिस्टिक्स भी पढ़ना है एंड आपको LR भी पढ़ना है। ये 3 अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं भाई। आप लोगों ने देखा होगा जिन बच्चों के पास 11th 12th क्लास में मैथमेटिक्स थी तो 11th क्लास में इकोनॉमिक्स के साथ स्टैटिस्टिक्स भी तो पढ़ा था, तो ये 2 अलग अलग सब्जेक्ट हुए ना भाई। अगर स्टैटिस्टिक्स भी मैथमेटिक्स होती तो एक ही मैथमेटिक्स के साथ ही पढ़ाते ना उसको, ईगो के अंदर क्यों ले जाते उसको? अरे बात समझ। तो ये स्टैटिस्टिक्स एंड बिजनेस मैथमेटिक्स अलग है, लॉजिकल रीजनिंग टोटली डिफरेंट है। ठीक है ना? फिर पेपर नंबर 4 की अगर बात करें तो इसमें आपको क्या पढ़ना है? इको एंड BC के, बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज, ये भी 2 अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। तो आपको टोटल 8 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं बट 4 पेपर में डिवाइडेड हैं। हर एक पेपर 100 नंबर का है तो ऑब्वियसली बात है कि वेटेज अलग अलग होगी सब्जेक्ट्स की। जैसे अकाउंट्स तो क्योंकि अकेला लौता है पेपर 1 में तो ये 100 नंबर का हो गया। वॉट अबाउट BL एंड BCR? 60 40। वॉट अबाउट BM FT एंड LR? 40 40 20। वेरी गुड, पता है आप लोगों को। और इको और BC के 60 40। हर एक पेपर में मिनिमम कितने चाहिए पास होने के लिए? 40 और एग्रीगेट 50। अच्छा, ये डाउट तो नहीं आता कि सर अगर मिनिमम 40 चाहिए तो 40 40% दोनों में चाहिए, तीनों में चाहिए या पेपर वाइज चाहिए? पेपर वाइज चाहिए, यानी कि अगर बाय चांस आपके बिजनेस मैथमेटिक्स में 40 आ गए और इसमें 0 0 भी आ गए तब भी आप इस पेपर में पास हो जाओगे। आपको हर एक सब्जेक्ट वाइज मिनिमम मार्क्स नहीं चाहिए होते 40%, आपको पूरे पेपर वाइज मिनिमम मार्क्स चाहिए होते हैं। ठीक है? सारी चीज आप लोगों को क्लियर कर दी होंगी। अब मैं आप लोग, अब देखो ओवरव्यू जो है वो संचित सर ने दे दिया है तो मैं ओवरव्यू दोबारा नहीं देने वाला। अब मैं किसकी बात करूंगा? स्पेसिफिकली जो मैं पढ़ाऊंगा, यानी कि पेपर नंबर 3। अच्छा, पेपर 1 को पेपर 1, पेपर 2 को पेपर 2 क्यों बोलते हैं पता है आपको? ये पेपर 1 ही क्यों है, ये पेपर 2 ही क्यों है, 3 ही क्यों है, 4 ही क्यों है? इसका ऑर्डर जो होता है एग्जाम में आने का ऑर्डर होता है वो यही होता है, यानी कि जब भी आपके CA फाउंडेशन के एग्जाम्स होंगे नवंबर या दिसंबर में तो आपका जो सबसे पहला एग्जाम होगा वो अकाउंट्स का ही होगा, इसलिए वो पेपर 1 है। दूसरा एग्जाम जो है वो
बिजनेस लॉस इन पीसीआर का ही होगा, ऐसा कभी नहीं होगा कि दूसरा पेपर आपका ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ठीक है ना, वो हमेशा बी एल एन बी सी आर ही होगा, इसलिए वो पेपर नंबर टू है, एंड सो ऑन, ठीक है ना। एग्जाम्स के बीच में एक एक दिन का गैप मिलता है, ये भी आपको पता ही होगा। अगर आज 5 तारीख है, आज आपका एक एग्जाम है, तो अगला एग्जाम, अगर आज आपका अकाउंट्स का एग्जाम है, तो अगला एग्जाम कब होगा? 7 तारीख को होगा, ठीक है ना, एक एक दिन का गैप होता है। फिर ये कब होगा? 9 तारीख को होगा। फिर पेपर नंबर 4 कब होगा? 11 तारीख को होगा, एंड सो ऑन। तो सी ए फाउंडेशन के अंदर कैलकुलेटर अलाउड होता है, तो आपको हर एग्जाम में कैलकुलेटर ले जाना है, बट लॉ के पेपर में ऑप्शनल है, मतलब कोई काम नहीं आएगा लॉ के पेपर में। लॉ के पेपर में कैलकुलेशंस का कोई यूज नहीं है, आपको ले जाना हो ले जाओ, नहीं ले जाना नहीं ले जाओ, बट अकाउंट्स के पेपर में और मेरे पेपर में तो जरूर लेके जाना है। और अगर आप नहीं ले गए तो पेपर कंप्लीट ही नहीं होगा पूरा, गारंटी है। तो कैलकुलेटर इंपॉर्टेंट है। और जैसे ही आप लोग सोचते हो कि भाई हमें सीए करना है, ठीक है ना, कैलकुलेटर आपकी लाइफ का पार्ट बन जाता है, ठीक है ना। आपका सीए का कोई भी लेवल हो, चाहे फाउंडेशन हो, चाहे इंटर हो, और चाहे फाइनल हो, कैलकुलेटर हर लेवल पे अलाउड, ठीक है। तो कैलकुलेटर आप लोगों को लेना है, ठीक है ना। कौन सा कैलकुलेटर, अगर आप ऑलरेडी लेकर के आए अच्छी बात है, अगर नहीं लेकर के आए तो मैं आपको आज बता दूंगा कि कौन सा कैलकुलेटर रिक्वायर्ड होता है एट सीए फाउंडेशन लेवल, और कौन सा मॉडल नंबर आप लो, तो आप लोगों के और मेरे बीच में जो कोऑर्डिनेशन है वो ज्यादा अच्छा बैठेगा। रीजन बीइंग, मैं आगे चल के आपको बहुत सारी ट्रिक्स बताने वाला हूँ, बहुत सारी। अब सारी ट्रिक्स हर एक कैलकुलेटर पे काम नहीं करती, ठीक है ना, सारी ट्रिक्स हर एक कैलकुलेटर पे काम नहीं करती। तो मैं आपको वो कैलकुलेटर बताऊंगा लेने को जिस पर सारी ट्रिक्स काम करें, तो उससे होगा क्या कि हमारा आपका कोऑर्डिनेशन सही बैठेगा। मैं ट्रिक से सॉल्व कर रहा हूँ, और आप कोई ऐसा कैलकुलेटर ले जिसपे वो ट्रिक काम नहीं कर रही, तो दिक्कत क्या होगी? मेरा तो आंसर आ जाएगा, आपका नहीं आएगा, फिर आप फ्रस्ट्रेट होगे, सर मेरा तो आंसर ही नहीं आ रहा, मैं कैलकुलेटर ही बेकार है, या मूड ऑफ ना आप लोगों का। तो इसलिए सेम कैलकुलेटर सब यूज करेंगे तो सबका आंसर आएगा, ठीक है। चलिए अब पेपर नंबर 3 की अगर हम बात करें, ठीक है ना, पेपर नंबर 3 की अगर हम बात करें तो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, मैंने आपको बताई दिया, बिजनेस मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग। एंड अरे भाई आगे चल, एंड 100 मार्क्स का पेपर है, 2 आवर्स की ड्यूरेशन है, बिजनेस मैथमेटिक्स 40 नंबर, लॉजिकल रीजनिंग 20 नंबर, एंड स्टैटिस्टिक्स 40 मार्क्स। अगर 100 क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर कैरी करता है, 100 क्वेश्चन आता है, 100 नंबर का पेपर हो गया, तो इससे हमें बहुत कॉमन सेंस की बात है, हमें समझ आ गया कि मैथ से 40 क्वेश्चन आते हैं, लॉजिकल रीजनिंग से 20 क्वेश्चन आते हैं, और स्टैटिस्टिक्स से 40 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इनकी वेटेज ये है, और 100 क्वेश्चन आते हैं, 1 क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, तो यही नंबर ऑफ क्वेश्चन भी होंगे। अगर आप क्वेश्चन सही करके आते हो तो आपको 1 नंबर मिलता है, छोड़ करके आते हो आपको 0 मार्क्स मिलते हैं, और गलत अटेम्प्ट करके आते हो तो दिक्कत हो जाती है, आपको नेगेटिव मार्किंग भी मिल जाती है। अभी तो क्या है ना, नेगेटिव मार्किंग इतना आपको डर नहीं लगता, मतलब अभी आप लोगों को ना इसकी वो समझ नहीं आ रही इंपॉर्टेंस, क्योंकि आपको लग रहा है 0.25 ही तो है, फिर क्या हो गया, 2-4 क्वेश्चन गलत कर दिए, 4 क्वेश्चन गलत कर दिए, एक ही नंबर तो जाएगा, वह थोड़ी ना चला जाएगा, एक ही नंबर जाएगा, ठीक है ना। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाई ऐसा नहीं है, होता क्या है, कई बार बच्चे एग्जाम दे रहे होते हैं प्यारे प्यारे आप लोगों जैसे, और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके जाते नहीं है, प्रैक्टिस करके जाते नहीं है तो पेपर छूटने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। अब देखो ऑब्वियसली बात है, 100 क्वेश्चंस करने हैं 2 घंटे के अंदर, तो प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, प्रैक्टिस अच्छी नहीं है तो कैसे करोगे पूरा पेपर, क्वेश्चन छूट सकते हैं। अब होता क्या है, मतलब काफी बच्चों के साथ ऐसा होता है, सबके साथ नहीं होता, ठीक है ना, तो पर्सनली मत लेना, बट ज्यादातर बच्चों के साथ क्या होता है, वो पेपर कर रहे होते हैं, टाइम देखते रहे, 10 मिनट रह गए हैं, भाई मेरे तो अभी 50 क्वेश्चन ही हुए हैं या 55 क्वेश्चन ही हुए हैं, बचे अभी 45-50 क्वेश्चन, अब क्या करें, तो आज ही जय माता दी लेट्स रॉक करते हैं, ठीक है ना, उठाते हैं क्वेश्चन, जय माता दी जहाँ पे रुकेगा वो टिक कर देंगे, यही बचता ऑप्शन फिर, तो ठीक है ना। तो आप लोगों ने क्या किया, 50 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कर लिए, और बाकी 50 में कर दिया तुक्का, तुक्का लगा दिया भाई, तुक्का, जय माता दी लेट्स रॉक, ठीक है ना। अब 50 क्वेश्चन जो किए हैं, क्या गारंटी के सारे जो किए वो सही होंगे, जो टाइम लगा करके किए हैं, 1 घंटा 50 मिनट लगा करके किए, क्या गारंटी है सारे सही होंगे, इसमें तो कुछ गलत हो सकते हैं। मानो 40 सही किए हैं और 10 गलत कर दिए, आ रही बात समझ, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो तुक्केबाजी आप लोग करके आए हो, इसमें भी कुछ सही हो सकते हैं, ये नहीं बोलूंगा कि सारे गलत हैं, इसमें भी कुछ सही हो सकते हैं, कितने सही होने के चांसेस हैं? अगर हम सिंपल मैथमेटिक्स का यूज करें, 4 ऑप्शंस हैं और 1 ऑप्शन सही है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इट राइट इज 1/4, ये तो सबने पढ़ा हुआ है। अगर 4 ऑप्शन है और 1 सही है, और अब तुक्का मार करके आ रहे हो, तो सही पे तुक्का मारा है, सही आंसर टिक किया है, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 है, और गलत पे तुक्का मारे हो, प्रोबेबिलिटी 3/4 है,
यानी सही होने के चांसेस 25% है और गलत होने के चांसेस 75% है। तो मान के चलते हैं 50 क्वेश्चन में से 25% क्वेश्चन सही करके आए होंगे, 12.25 होता है, बट हम 12 क्वेश्चन मान लेते हैं, 12 क्वेश्चन करेक्ट किए, यानी रिमेनिंग 38 क्वेश्चन क्या कर दिए, रॉन्ग कर दिए। वही सेम हम प्रोबेबिलिटी का यूज करके एकदम बेसिक मैथमेटिक्स अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर जो हो सकता है। अब ओवरऑल क्या सिचुएशन बनी कि आपने 52 क्वेश्चंस करेक्ट किए हैं और 38 प्लस 10 48 क्वेश्चंस रॉन्ग किए हैं, ये बना ठीक है ना। अब 52 क्वेश्चन सही करने के तो 52 मार्क्स मिल गए, बट जो 48 क्वेश्चंस गलत किए हैं इसकी नेगेटिव मार्किंग कितनी होगी, अब 12 नंबर, 48 मल्टीप्लाई बाय 0.25 12 नंबर, बताओ जी कितने नंबर आए, एक भी इधर उधर हुआ, सोच रहे हो यानी कि हमारी कैलकुलेशन में एक भी क्वेश्चन नीचे हो गया ना, रॉन्ग वाली कैटेगरी में आ गया, तो भाई दिक्कत आ जाएगी, अरे बात समझ। इसलिए हम लोगों को रॉन्ग अटेम्प्ट करने मतलब आता है करो, नहीं आता तुक्का नहीं लगाना, तुक्का नहीं लगाना, तुक्के लगाने से बेटर है छोड़ो, क्योंकि कई बार तुक्का लगाने के चक्कर में अगर दो तीन ही तुक्के लगा करके आ रहे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट अगर आपको लग रहा है कि बहुत सारे क्वेश्चन रह गए हैं और जो तुक्का मारा जाए फिर वो बहुत बड़ी दिक्कत बन सकते हैं, ठीक है ना, अरे बात समझ आप लोगों को। चलिए तो हम लोगों को कभी भी एक रफ एस्टिमेट नहीं लगाना होता कि भाई ये सही लग रहा है इसको टिक कर दो, ये बचपन की चीज़ें हुआ करती थी, अब प्रोफेशनल लेवल पर आ गए हो थोड़ा प्रोफेशनल तरीके से पेपर को भी अटेम्प्ट करना आना चाहिए। बाकी मैं आप लोगों को बाद में बताता रहूँगा टाइम टू टाइम कि क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं टू अटेम्प्ट पेपर नंबर 3 इन अ बेस्ट पॉसिबल वे, ये आगे चल के बात करेंगे। अब देखो आपके सामने है कंटेंट, आपके सामने है कंटेंट, गुड मॉर्निंग मिरज माही, आई होप आप लोगों को ऑडियो वीडियो सब क्लियर है, कोई दिक्कत दुविधा नहीं हो रही होगी। आपके सामने है कंटेंट, बिजनेस मैथमेटिक्स की वेटेज लिख दी, स्टैटिस्टिक्स की वेटेज लिख दी एंड लॉजिकल रीजनिंग की मैंने वेटेज लिख दी। सबको सब क्लियर दिख रहा है ना, परफेक्ट। अब बिजनेस मैथमेटिक्स के अंदर आप लोगों को दिख रहे हैं 11 चैप्टर्स हैं भाई, 11 इंडेसेस, लॉगरिथम्स, रेशियोज एंड प्रोपोर्शंस, इक्वेशंस, लीनियर इनइक्वालिटीज, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, सेट रिलेशन फंक्शन, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, ठीक है ना, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन दो अलग अलग चैप्टर हैं, टोटल 11 चैप्टर्स और वेटेज कितनी है 40 नंबर। तो एक चैप्टर की वेटेज लेस देन 4 मार्क्स है, क्योंकि हम 40 को डिवाइड बाय 11 करेंगे तो आंसर कितना आएगा भाई बताओ, 40 डिवाइड बाय 11 3.63, तो एक चैप्टर की वेटेज अप्रॉक्स 3.63 मार्क्स है, चलो 4 नंबर मान लो, एक चैप्टर की वेटेज कितनी है अप्रॉक्स 4 मार्क्स है। अब अगर आपको लगे कि सर 4 मार्क्स की वेटेज है छोड़ दो, 4 मार्क्स की वेटेज कई बच्चे करते हैं कि सर 4 मार्क्स की तो वेटेज है छोड़ देते हैं, और ऐसे कर करके क्या होता है सब छूट जाता है, ठीक है ना। तो आपको 4 नंबर की वेटेज के लिए भी पूरा चैप्टर पढ़ना है, क्योंकि अगर आप इसे छोड़ने लगे तो सब छूट जाएगा, फिर हर एक चैप्टर करना है, ये नहीं सोचना कि सर इसकी वेटेज तो कम है 3-4 नंबर के और चलो इसे छोड़ देते हैं कोई और चैप्टर कर लेंगे, समझ नहीं आ रहा। तो ये करते करते क्या होता है अल्टीमेटली एग्जाम के टाइम में आपको लगता है यार मैंने तो सभी छोड़ दिया, अब नंबर कहाँ से ऑब्टेन करूँ, ठीक है ना। तो इस चीज़ पर ध्यान देना है। ऐसे स्टैटिस्टिक्स की वेटेज 40 नंबर है और इसमें कितने चैप्टर्स हैं 7। पहला चैप्टर है स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, दूसरा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, तीसरा मेजर ऑफ डिस्पर्शन, चौथा कोरिलेशन रिग्रेशन, इंडेक्स नंबर, प्रोबेबिलिटी एंड थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अब जल्दी से मुझे बताइए कि आप में से कौन कौन बच्चे हैं जिनके पास 11th 12th में मैथमेटिक्स थी। ओ नाइस, मेजोरिटी के पास थी। अब कितने बच्चे हैं जिनके पास स्टैंडर्ड मैथ थी, स्टैंडर्ड मैथ्स, ओके, और कितने बच्चे जिनके पास अप्लाइड मैथ्स थी, ओके। तो जिन बच्चों के पास अप्लाइड मैथ्स थी उनके लिए तो ये जर्नी मेरे साथ सुपर स्मूथ होने वाली है, क्योंकि आप लोगों को दिख रहा होगा कि आप सब पढ़ चुके हो लेकिन आपको कोई भी चैप्टर ऐसे दिखा जो आपने ना पढ़ा हो, नहीं दिखा होगा आपने, आपको लग रहा होगा कि सर ये हमने पढ़ा हुआ है इकोनॉमिक्स में, ठीक है ना, कहाँ पढ़ा हुआ इकोनॉमिक्स में 11th क्लास में, फिर हम लोगों ने कोरिलेशन रिग्रेशन इंडेक्स नंबर प्रोबेबिलिटी थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाइड मैथ्स में पढ़ लिया है 11th 12th क्लास में, फिर हम लोगों ने डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन भी पढ़ लिया अप्लाइड मैथ्स के अंदर थोड़ा बहुत, सेट रिलेशन फंक्शन भी पढ़ लिया, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी पढ़ लिया, ठीक है ना। और LR तो खैर सभी के लिए नया है, ये तो मैं बोलूंगा नहीं किसी ने पढ़ा है, हाँ आपकी प्रिपरेशन CUET के लिए हो जाएगी इससे, CUET का जो पार्ट 3 होता है उसके अंदर क्या आता है LR, जनरल नॉलेज, ये सब तो आता है, करंट अफेयर्स, तो LR वाला पार्ट आपका यहाँ से कवर अप हो जाएगा,
काफी हद तक पूरा नहीं होगा क्योंकि उसके अंदर एलआर में और भी चैप्टर्स हैं, सिलोजिज्म भी है ठीक है ना, और एक दो और हैं, बट काफी हद तक आपका यहाँ से कवर हो जाएगा। तो ये पार्ट तो सभी के लिए न्यू है, बट अच्छी बात क्या है, अच्छी बात क्या है कि ये जो पार्ट है ना सुपर ईजी है। अगर आप लोगों की मैथ्स वीक है या आप लोगों की मैथ्स स्ट्रांग है, इट डजेंट मैटर कि आपकी एलआर कैसी होगी, यानी कि मैथ स्ट्रांग होना या वीक होना ये डिफाइन नहीं कर सकता कि आपकी एलआर कैसी होगी। एलआर इज टोटली डिफरेंट। एलआर में आपको लॉजिक्स लगाने हैं। फॉर एग्जांपल एक चैप्टर है डायरेक्शन टेस्ट। अब इसमें क्या लिखा होगा कि मिस्टर अमन ठीक है ना गए नॉर्थ की तरफ 5 किलोमीटर, फिर राइट मुड़े, फिर लेफ्ट मुड़े, फिर राइट मुड़े, फिर उन्होंने 180 डिग्री का यू टर्न लिया, फिर सीधा गए, फिर राइट मुड़े, फिर राइट मुड़े, फिर लेफ्ट मुड़े। अब बताओ किस डायरेक्शन को फेस कर रहे हैं, या वो ओरिजिनल डायरेक्शन से अब किस डायरेक्शन में खड़े हैं, ये वाले क्वेश्चन है। अब इसके अंदर कोई मैथ्स का यूज है क्या? नहीं। इसके अंदर तो दिमाग में थोड़े से लॉजिक्स होने चाहिए, वो लॉजिक्स लगाने हैं, बच्चों वाली बातें हैं और आंसर करके आने हैं। अरे बात समझ, तो ये मैथमेटिक्स नहीं है। तो लगता क्या है काफी बच्चों को कि पेपर नंबर 3 क्या मैथ्स का पेपर है, बट मैथ्स का पेपर तो सिर्फ 40 नंबर का है ना भाई, बाकी का 60 नंबर मैथ्स थोड़ी ना है। बाकी का 60 नंबर क्या है? स्टैटिस्टिक्स है और लॉजिकल रीजनिंग है ठीक है ना। जिन लोगों ने अप्लाइड मैथ्स पढ़ी है उनको तो सुपर ईजी लगने वाला है सब, क्योंकि उन्हें ऑलमोस्ट सब कुछ पढ़ा हुआ है, ऑलमोस्ट सब कुछ पढ़ा हुआ है। जिन लोगों के पास अप्लाइड मैथ्स नहीं थी, प्योर मैथ्स थी, उनको थोड़े से चैप्टर एडिशनली एफर्ट्स डाल करके पढ़ने पड़ेंगे। और जिनके पास मैथ्स ही नहीं थी 11th 12th में, वो भी घबराए ना। क्यों ना घबराए, सुनो, ध्यान सुनना मेरी बात को, घबराने की कोई बात नहीं है। देखिए भाई, पहला चैप्टर इंडेसेस, और ये चैप्टर किस बारे में बात करता है? ये चैप्टर बात करता है अबाउट पावर्स, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। पढ़ा है आप लोगों ने 8th क्लास 9th क्लास में, याद आ रहा है? पावर्स कब ऐड होती हैं, पावर्स कब सब्ट्रैक्ट होती हैं, पावर्स कब मल्टीप्लाई होती हैं, ठीक है ना। ये सारी चीजें इस चैप्टर के अंदर है जो आप में से हर बच्चे को पता होगा। हो सकता है थोड़ी पॉलिशिंग की जरूरत हो कि भूल गए हो थोड़ा थोड़ा, बट अभी हम पढ़ेंगे, आज ये चैप्टर शुरू करेंगे, आपको लगेगा हाँ सर धीमे धीमे सब कुछ याद आ गया हम लोगों को, बहुत ईजी है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो ये चैप्टर क्या है? सुपर ईजी। क्या है? सुपर ईजी। फिर अगला चैप्टर है लॉगरिथम्स। अब लॉगरिथम्स अगेन, कुछ बच्चों ने 4 से 5 प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं लॉगरिथम्स की, जिनके पास 11th 12th मैथ्स थी ठीक है ना, 4 से 5 प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं ईजी ईजी सी। अब इस चैप्टर के अंदर अब फाउंडेशन लेवल पे 18 प्रॉपर्टीज हैं, यानी कि देखा जाए तो आप लोगों ने मैथ्स ली थी 11th 12th में या नहीं ली थी, सभी के लिए चैप्टर ऑलमोस्ट न्यू होने वाला है, सभी के लिए न्यू होने वाला है। और ये चैप्टर भी जो है ना, ये सुपर ईजी है, सुपर ईजी, यानी जितना इजी इंडेसेस है उतना ही इजी लॉगरिथम्स भी है। ये चैप्टर भी प्रॉपर्टी बेस्ड है, ये चैप्टर भी प्रॉपर्टी बेस्ड है। प्रॉपर्टीज आती है, क्वेश्चन हो जाएंगे, सिर्फ प्रॉपर्टी लगानी है और क्वेश्चन करने हैं, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगता, ज्यादा दिमाग नहीं लगता। ये चैप्टर भी सुपर ईजी है। रेशियो प्रपोर्शन मुझे पूरी उम्मीद है आप में से सब बच्चों ने पढ़ा होगा, क्योंकि 10th क्लास तक पढ़ा दिया जाता है चैप्टर ठीक है ना। इक्वेशंस आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, लीनियर इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, 10th क्लास तक ये चैप्टर हर स्कूल में पढ़ा दिया जाता है। सीबीएसई बोर्ड हो, यूपीएससी बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, यूपीएससी करो, यूपी बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, लीनियर इनइक्वालिटीज सबसे इजी चैप्टर है पूरे मैथमेटिक्स का। इससे आसान कोई चैप्टर ही नहीं है, एक क्लास में कंप्लीट हो जाता है, इतना इजी चैप्टर है, छोटा सा 1 नंबर या 2 नंबर का आता है ठीक है ना। तो इस चैप्टर से भी किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, चाहे मैथ्स हो या मैथ्स ना हो। तो अभी तक क्या देख रहे हैं कि जितने चैप्टर हम लोगों ने अभी तक देखे, नाम देखे और उसके अंदर क्या है वो देखा, तो हमने देखा कि अभी तक एकदम सबके लिए चिल है, मैथ्स हो या ना हो सबके लिए मैटर जो है एकदम चिल है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, ये है सरदर्द। ये सरदर्द उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने इस चैप्टर को कभी भी बेसिक से नहीं समझा, बट मैं गारंटी दे सकता हूँ इस चीज की, रिटर्न गारंटी, अगर आप क्लास में अटेंटिव हो, मेरी बातें ध्यान से सुन रहे हो और रिविजन कर रहे हो, तो आपको पूरे सिलेबस के अंदर, इस पूरे पेपर नंबर 3 के अंदर इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर कोई भी नहीं लगेगा। ये मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर मुझे तो सबसे इंटरेस्टिंग लगता है पढ़ाने में भी, और वैसे भी आप लोगों को भी लगना चाहिए, बट कंडीशन सिर्फ एक है कि जब भी चैप्टर होगा डेली रिवाइज करके आना है, जो आज पढ़ा है इस चैप्टर को रिवाइज करके आओ, और जहां आपने रिविजन छोड़ा अगली क्लास से समझ आना गायब, फिर आपको समझ नहीं आएगा चैप्टर ठीक है। तो रिविजन करते रहे प्रॉपर तरीके से, एक बार दो बार डेली जाकर के करो चीजों को, मैंने जो बोली है बातें उनको अच्छे से दिमाग में बिठाओ, फिर अगली क्लास आपको एकदम स्मूथ एकदम स्मूथ एकदम स्मूथ, और ये चैप्टर इतना स्मूथली हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। और जहां आपने रिवीजन नहीं किया सोचा अरे हो जाएगा अच्छे से समझ आ गया कल जाएंगे एकदम से हो जाएगा, करने की जरूरत नहीं लग रही मुझे, मैंने क्लास में बहुत अच्छे समझ लिया, गारंटी दे रहा हूँ ये चैप्टर अगली क्लास में समझ नहीं आएगा, अगली क्लास में भी आ गया तो तीसरी क्लास में समझ नहीं आएगा,
ठीक है ना, रिवीजन की बहुत ज्यादा जरूरत है। और ये चैप्टर सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर है पूरे सिलेबस के अंदर, पेपर नंबर 3 के अंदर। एंड सरदर्दी इसलिए है क्योंकि रिवाइज नहीं किया तो समझ नहीं आता ये चैप्टर, पर अब कुछ कर लो ये चैप्टर छोड़ के ही जाने वाले हो, कुछ कर लो चैप्टर छोड़ के जाने वाले हो। और ये चैप्टर सबसे लंबा चैप्टर है इन एंटायर सिलेबस, ये जो जितना भी पेपर नंबर 3 के अंदर जितना भी आपको दिख रहे हैं 22 चैप्टर्स, सबसे ज्यादा लेंदी चैप्टर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है। सबसे ज्यादा कॉन्सेप्ट भर भर के इसी के अंदर है, जिन लोगों ने पढ़ा होगा उनको पता होगा, ठीक है ना। बट बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और अगर आप लोगों को लगता है कि आपका IQ जो है आपको इंक्रीज करना है, उसको एक बूस्ट देना है, तो चैप्टर अच्छे से कर लो, आपका IQ डेफिनेटली इंक्रीज होगा, आपके जो समझने की चीज़ें समझने के लॉजिक्स हैं वो चेंज ही हो जाएंगे, बिल्कुल ही चेंज हो जाएंगे, आप चीज़ों को अलग तरीके से सोचा करोगे, समझा करोगे, ठीक है। APGP अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इजी चैप्टर, हर बच्चे ने पढ़ा हुआ है अप टू क्लास 10th, कोई है जिसने ना पढ़ा हो, सब ने पढ़ा है, ठीक है ना। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, जिसमें कॉमन डिफरेंस होता है, एनी टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म, आंसर जो होता है वो सेम होता है थ्रू आउट द सीरीज, तो हम उसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। GP क्या होता है, एनी टर्म डिवाइडेड बाय प्रीसीडिंग टर्म, जो रेशियो होता है वो कॉमन होता है, तो कॉमन रेशियो आ जाता है इसके अंदर, याद आ रहा है 10th क्लास का। ये चैप्टर सबने पढ़ा है, इजी चैप्टर है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। फिर अगला चैप्टर आ गया टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ये है सबसे बढ़िया चैप्टर, सबसे बढ़िया चैप्टर। बढ़िया क्यों है, क्योंकि यही वो चैप्टर है जो आपको जिंदगी भर के जो लाइफ लेसन होते हैं ना, हाउ टू मैनेज योर मनी, वो सिखाएगा, ठीक है ना। देखो समझना इस बात को, सक्सेस जो होती है उसकी डेफिनेशन क्या है इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ मनी। कुछ लोग बोल सकते हैं कि सर पैसा ऐसा कुछ नहीं है, सब मोह माया है, ठीक है ना, शांत दिमाग हेल्दी बॉडी इज सक्सेस, ठीक है ना। बट मॉनेटरी टर्म्स में सक्सेस क्या है, ये मैं जानना चाहता हूँ। देखो पैसा भी जरूरी है, और अगर पैसा जरूरी नहीं होता ना तो आप में से कोई भी यहाँ पे नहीं बैठा होता। CA क्यों कर रहे हो बताओ भाई, ठीक है ना, मनी। तो भाई मॉनेटरी टर्म्स में बात करेंगे हम लोग, तो CA की क्लास में, तो हम वो तो मोटिवेशनल क्लास में तो है नहीं भाई कि मैं आपको बात करूंगा माइंड, अबाउट माइंड, हार्ट, सोल, प्योरिटी, पीस, ये अलग क्लासेस होती है मेडिटेशन वाली। हम बात करेंगे ऑल अबाउट मॉनेटरी टर्म, CA कर रहे हैं भाई, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने वाले हैं। तो व्हाट इज सक्सेस इन मॉनेटरी टर्म, जल्दी बताइए, किस बंदे को आप सक्सेसफुल बोलोगे। दो चीजें होना जरूरी है, दो बहुत इंपॉर्टेंट, क्या, एक पैसा होना और एक इसको मैनेज करना आना। मेरी फैमिली में थोड़े दूर में एक रिश्तेदार है मेरे, उनको विरासत में अपने पिताजी से बहुत पैसा मिला, बहुत प्रॉपर्टी मिली, मतलब बहुत, वो उस एरिया जिस एरिया में रहते हैं उसकी सबसे रिच फैमिली थी, सोचो कितनी प्रॉपर्टी होगी उनके पास, ठीक है ना, सबसे रिच फैमिली थी, पैसा ही पैसा था। बट पापा जी ने तो उनके कर लिया जो करना था, अच्छे से मैनेज, खूब कमाया, खूब नाम कमाया। जब बेटे को दिया, बच्चों को दिया, बच्चों दो बेटे दोनों में बांटा, तो एक बेटे ने तो मुकेश अंबानी बन गया और एक बेटा नंद अंबानी बन गया, आ रही बात समझ, ठीक है ना। तो क्या हुआ, मनी तो देखो अनिल के पास भी था, मुकेश के पास भी था, बट आज लोग किसको जानते हैं, मुकेश अंबानी जी को, ना कि अनिल अंबानी जी। क्यों, पैसा होना इज नॉट सक्सेस, पैसे को मैनेज करना आना भी चाहिए, अगर वो नहीं आएगा तो आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। और सबसे अच्छा एग्जांपल यही है मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, अगर आप जानते हो तो, ठीक है ना। तो सक्सेसफुल इंसान वो है जो पैसा कमाना भी जानता है और पैसा मैनेज करना भी जानता है। अगर आपके पास पैसा है बट मैनेज करना नहीं आता, क्या आप सक्सेसफुल की कैटेगरी में आओगे, नहीं आओगे। अगर आपके पास पैसा ही नहीं है बट मैनेज करना आता है, ठीक है ना, तो क्या आप सक्सेसफुल की कैटेगरी में आओगे। उनको तो हम बोलते हैं भाई क्या तू ज्ञान पे ले जा रहा है, खुद तेरे पास कुछ है नहीं, ये तो बोलोगे, खुद तो कुछ है नहीं, ज्ञान पे ले जा रहा है, ठीक है ना। तो पैसा नहीं है, मैनेज करना आता है, अब पैसा ही नहीं तो भाई मैनेज किसको करेगा, अरे बात समझ, तो वो भी सक्सेसफुल नहीं है, ठीक है ना। पैसा भी नहीं है, मैनेज भी करना आता, ये तो भाई एकदम निहायत ही नलायक इंसान हो गया, ना पैसा कमाना आ रहा ना मैनेज करना आ रहा। तो हमने देखा कि जिसके पास पैसा है और जिसको मैनेज करना आता है वही इंसान सक्सेसफुल है। अब पैसा अर्न कैसे करना है, ये तो CA की डिग्री आपको सिखाई देगी, ठीक है ना। CA की डिग्री के साथ वो अटैच होकर के आता है, ठीक है ना, स्टेपलर से एक पन्ना जो होता है ना जिंदगी में पैसे का, वो अटैच हो जाता है CA की डिग्री के साथ, ठीक है ना। CA बन गए तो पैसा तो है ही भाई जिंदगी में, पैसा ही पैसा है। अब बट मैनेज करना आना भी इम्पॉर्टेंट है। अब अच्छी बात क्या है कि CA एक ऐसा कोर्स है
जो पैसा मैनेज करना भी सिखा देता है, ठीक है ना। तभी तो लोगों के पास जब भी कुछ प्रॉब्लम होती है, फाइनेंशियल इश्यू होते हैं, पैसा बहुत है बट समझ नहीं आ रहा क्या करें उसका, तो किसके पास जाते हैं, और जिस सीए के पास चलते हैं, वो बताएगा क्या करना है। तो सीए की डिग्री के साथ अटैच होकर के आता है पैसा मैनेज भी कैसे कहते हैं, ये इस डिग्री की खासियत है। एक बच्चा जो आईआईएम से एमबीए करके निकला है, एक बच्चा जो बीकॉम कर रहा है, एक बच्चा जो इंजीनियरिंग कर रहा है, चाहे आईआईटी से क्यों ना कर रहा हो, वहाँ पे कोई भी पैसा मैनेज कैसे किया था सिखाता नहीं है, ठीक है। वो पढ़ा देंगे, मैनेजमेंट सिखा देंगे, सब सिखा देंगे, और हाउ टू मैनेज योर मनी वो कभी नहीं सिखाएंगे। तो आपको मैनेज करना भी आ जाएगा, और ये इस मैनेज वाली चीज़ की शुरुआत मैं ही करूँगा सीए फाउंडेशन लेवल पर टाइम वैल्यू ऑफ मनी चैप्टर पढ़ा करके। और यही वो चैप्टर है जो मैं आपको बोल रहा था कि आप लोगों को चाहे सीए आगे करो ना करो, कुछ भी करो, बट ये चीज आपको हमेशा हेल्प करेगी लाइफ में हर एंगल से, ठीक है ना। समझ आ रही है बात, ठीक है, चलिए। तो बेस्ट चैप्टर है पूरे सीए फाउंडेशन का, पेपर नंबर 1, 2, 3, 4 मिला करके जो बेस्ट चैप्टर है वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है। ये आपको सबसे ज्यादा लाइफ लेसन सिखाने वाला है कि चीजों को कैसे, पैसे को कैसे मैनेज किया जाता है। और ये जो चैप्टर है इसके अंदर सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट भी है जो आप लोगों ने स्कूल लेवल पे पढ़ा हुआ है, बट ये सिर्फ 5% है या 10% है, बाकी 90% जो है वो बच्चों ने पढ़ा हुआ है, कुछ बच्चों ने पढ़ा हुआ है जिनके पास अप्लाइड मैथ्स थी, उसके अंदर एनुटी, सिंकिंग फंड, वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड, डेप्रिसिएशन, फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू सब सिखाया जाता है, ठीक है ना। तो वो सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के अलावा जो पार्ट है वो उन बच्चों ने पढ़ा हुआ है, बट दिक्कत ये है उन लोगों ने जिस एंगल से उस चीज को समझा है वो एकदम रट्टा वाला एंगल था, क्या जी ये क्वेश्चन आएगा तो ये करके आना है, क्वेश्चन आएगा तो ये करके आना है, बट उसका रियल लाइफ इंप्लीकेशन क्या है वो उस एंगल से समझा नहीं है, वो मैं आपको हेल्प करूंगा समझने में, ठीक है। अगला जो चैप्टर है वो है सेट रिलेशन फंक्शन, अगेन वेरी इजी चैप्टर, ये जिनके पास मैथ्स थी उनको भी पता होगा कि बहुत इजी चैप्टर है, ठीक है ना। स्टार्टिंग में लग सकता है आपको कि सर ये मैथ्स तो लग नहीं रही, इसमें ए बी सी डी क्या करे जा रहे हैं हम लोग, बट बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इजी चैप्टर है, एकदम आसानी से हो जाएगा। अगेन जिनके पास मैथ्स थी उनको एक अपर हैंड तो मिलेगा क्योंकि उनको ऑलरेडी आता होगा, जिनके पास नहीं थी वो भी घबराए ना, बहुत ईजिली चैप्टर ईजिली कम्प्लीट हो जाता है। आइए जी डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन की बात करें, तो हमारी 11th 12th इसी से निकल गई पूरी, जिनके पास मैथ्स थी उनने करा के 11th 12th में मैथ्स में कैलकुलस, डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन। अगर एक अगर दो साल की पढ़ाई करी है 11th 12th की तो उसमें से 1.5 साल तो ये पढ़ने में निकल गया, ठीक है ना, डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन। बट अच्छी बात क्या है कि सीए फाउंडेशन लेवल के अंदर इस डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन को बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर दिया गया है, यानी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं sin थीटा, cos थीटा, sec थीटा, वो सब अब फाउंडेशन लेवल पे हटा दिया गया है, ठीक है ना, वो सब नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है। तो अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हटा दो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से तो कुछ बचता ही नहीं उसके अंदर, ठीक है ना। जो उसके अंदर जान डालता है, जो उसको मुश्किल बनाता है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन को, वो है ट्रिग्नोमेट्री, और ट्रिग्नोमेट्री हटा दो अगर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से तो उसके अंदर कुछ नहीं, मतलब एक अगर इंसान है, पूरा इंसान है, उसकी सारी चर्बी हटा दो तो उसमें हड्डी बचेगी ना, वो हड्डी इस लेवल पर आपको दी गई है, गूदा गूदा हटा दिया सारा, ठीक है ना, तो मेन माल था वो हटा दिया। तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बहुत ईजी है एट सीए फाउंडेशन लेवल, और आप यकीन मानो 3 से 4 क्लासेस में ये दोनों चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, इतना ईजी है। और कहाँ 1.5 साल लगे 11th 12th में, फर्क समझ आ रहा है कितना फर्क है। तो बहुत बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर दिया गया, बहुत इजी इजी गिने चुने कुछ प्रॉपर्टीज फॉर्मूलाज आपको पता होने चाहिए और ये चैप्टर आराम से हो जाएंगे, तो इसमें भी कोई घबराने वाली बात नहीं है। आओ जी एक बार कंक्लूजन देखें, जिन बच्चों के पास 11th 12th में मैथ्स नहीं थी, जिनके पास नहीं थी, उनको सिर्फ और सिर्फ किस चैप्टर से डरना चाहिए, इससे। और अच्छी बात क्या है, जिनके पास थी वो भी डरते हैं, ठीक है ना, जिनके पास मैथमेटिक्स थी 11th 12th में उनको भी इस चैप्टर से अभी भी डर लगता है, बट एक बार अच्छे से पढ़ लोगे, समझ लोगे, एक बार मेरी बातें अच्छे से समझ ली तो चैप्टर से इंटरेस्टिंग चैप्टर आपको कोई नहीं लगेगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं स्टैटिस्टिक्स की, स्टैटिस्टिक्स के अंदर ये वाला चैप्टर, ये वाला चैप्टर, ये वाला चैप्टर आप ऑलरेडी 11th क्लास में पढ़ चुके इकोनॉमिक्स के साथ, ठीक है ना। अगर आपको याद हो मीन मीडियन मोड आप लोगों ने पढ़ा हुआ, स्टैंडर्ड डेविएशन आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, वो सभी चीज़ें पहले 3 चैप्टर्स के अंदर है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है पढ़ा है ना, ठीक है ना, क्लास बाउंड्रीज क्या होती है, मिड वैल्यूज क्या होती है, क्लास लिमिट्स क्या होती है, ये सारी चीज़ें फर्स्ट चैप्टर के अंदर है। मीन मीडियन मोड दूसरे चैप्टर के अंदर है, और मेजर ऑफ डिस्पर्शन के अंदर क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये चीज़ आपने काफ़ी हद तक पढ़ी हुई 11th 12th क्लास में, बट फ़र्क है बहुत ज़्यादा, फिर भी फ़र्क है बहुत ज़्यादा, रीज़न समझना। जब आप 11th 12th क्लास में स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हो तो आप लोगों को स्कूल में कैसे क्वेश्चन कराए जाते हैं,
ओ बड़ी बड़ी टेबल्स, खूब सारे कॉलम्स, याद आ रहा है? यहाँ पे क्लास इंटरवल लिखे, फिर यहाँ पर मिड वैल्यूज लिखी, फ्रीक्वेंसी लिखी, अब स्टेप डिविएशन मेथड आ गया तो यू निकालो, ठीक है ना, फिर फॉर्मूला लगाओ अरिथमेटिक मीन का, ये सारी चीजें, ये सारे पंगे थे। अब एक नंबर का क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन एक नंबर का आता है सी फाउंडेशन लेवल पर, क्या वो क्वेश्चन आ सकता है एक नंबर के लिए? खुद ही सोचो, वो क्वेश्चन कितने मार्क्स कैरी करते थे? 6 मार्क्स, 7 मार्क्स, 5 मार्क्स, इतने कैरी करते थे। अब सी फाउंडेशन में तो एक नंबर का एक क्वेश्चन आता है, तो क्या उन क्वेश्चंस की जगह बनेगी? नहीं बनेगी। वो क्वेश्चन किसी काम के हैं? आंसर इज नो। तो आपकी जो अप्रोच है होने वाली है स्टैटिस्टिक्स की, वो टोटली डिफरेंट होगी। यानी कि जो चीज़ आपने कभी नहीं पढ़ी स्टैटिस्टिक्स के अंदर, वही आपको पढ़नी है, और वो है ग्राफ रूट लेवल। ग्राफ रूट लेवल यानी कि एकदम बेसिक चीज है, प्रॉपर्टीज, हर एक चीज की प्रॉपर्टी, अरिथमेटिक मीन की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, मीडियन की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, मोड की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, इनसे क्वेश्चन आते हैं एक नंबर के। वो जो बड़े 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 महाबली जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करते थे ना, एक एक दो दो पेज के, वो एक भी नहीं आता, ठीक है ना, वो एक भी नहीं आता। तो यहाँ पर ऑल दो चीजें वही हैं जो आप लोगों ने स्कूल लेवल पे पढ़ी है, बट जो लेवल ऑफ क्वेश्चन वो टोटली डिफरेंट है, और जो आप लोगों ने नहीं पढ़ा स्कूल लेवल पे, उसी लेवल पर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप एक काम कर सकते हो, आप जाकर के रैंडमली सीए इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से आपको पेपर्स वगैरह डाउनलोड करने आते हैं किसी को? अगर नहीं आता तो बहुत ईजी है, सिंपली गूगल पे लिखना सीए फाउंडेशन मॉक टेस्ट पेपर डाउनलोड। क्या लिखना? सीए फाउंडेशन मॉक टेस्ट पेपर डाउनलोड, पहला लिंक आएगा या दूसरा लिंक आएगा, सीए इंस्टीट्यूट का लिंक होगा, उस पर क्लिक करना, आपका एक सामने एक विंडो आ जाएगी जहाँ पे मॉक टेस्ट पेपर होंगे, कोई भी लेटेस्ट वाला डाउनलोड करके देखना, और उसमें देखना स्टैटिस्टिक्स में किस लेवल के क्वेश्चन है, ठीक है ना, और आपसे एक भी सॉल्व नहीं होगा, जबकि आपने पढ़ रखी है 11th क्लास में, कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, एक भी सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि जो लेवल पूछा जाता है और जो लेवल आपने पढ़ा है उसमें बहुत फर्क है। चीज़ें वही है, अरिथमेटिक मीन मीडियन मोड हमें भी पढ़ना है, और जो लेवल हम लोगों को पढ़ना है और जो लेवल आप लोगों ने पढ़ा है वो टोटली डिफरेंट लेवल है। हम ग्राफ रूट लेवल पे पढ़ेंगे, आपने सीधा क्या पढ़ा कि वो फॉर्मूला यूज करके मीन कैसे निकालते हैं, वो हमें नहीं सीखना, ठीक है ना, वो हमारे किसी काम की चीज़ नहीं है। अगला चैप्टर है कोरिलेशन, फिर है इंडेक्स नंबर, फिर है प्रोबेबिलिटी, और फिर है थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ये चैप्टर्स जो हैं ये इंटरेस्टिंग भी हैं, थोड़े से मुश्किल भी हैं, ठीक है ना, जैसे कि प्रोबेबिलिटी थोड़ा मुश्किल चैप्टर है, ठीक है ना, जिन बच्चों के पास 11th 12th में मैथमेटिक्स तो उनको थोड़ा आइडिया होगा, और थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी थोड़ा मुश्किल चैप्टर है, जिन लोगों के पास अप्लाइड मैथ्स थी उनको थोड़ा बहुत आइडिया होगा, क्योंकि अप्लाइड मैथ्स के अंदर थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी पढ़ाया जाता है, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब भी पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। तो ये भी थोड़ा सा ट्रिकी चैप्टर है, ऐसा नहीं कि एकदम ही स्मूथ है पूरा फाउंडेशन का मैथमेटिक्स पेपर नंबर 3, कुछ चीजें मुश्किल भी हैं। अब आ जाते हैं सबसे इजी पार्ट के ऊपर, वो है लॉजिकल रीजनिंग। ये तो एक ऐसा पार्ट है जिसमें 20 में से 20 आने तय हैं, आएंगे ही आएंगे, एक कंडीशन है सिर्फ, थोड़ी प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की, और कुछ भी नहीं है। क्वेश्चंस इजी होते हैं, थोड़ी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना, मेरी बुक से करो, सी इंस्टीट्यूट की बुक आप लोगों को मिलेगी उससे करो। अगर फिर भी मन भर गया, लगा सारे क्वेश्चन हो गए सर आराम से, तो क्या कर सकते हो, लॉजिकल रीजनिंग हर लेवल पर है, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दो आप, बीटेक के लिए, बीबीए के लिए, एमबीए के लिए, यूपीएससी के लिए, रेलवे के लिए, ईपीएफओ के लिए, पीओ के लिए, जो गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं, कोई भी एग्जाम दो, हर लेवल पे लॉजिकल रीजनिंग है। तो इसके इतने क्वेश्चंस मिलेंगे आपको ऑनलाइन गूगल पे, इतने क्वेश्चंस मिलेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। बस सर्च कर लो क्या डायरेक्शन टेस्ट क्वेश्चंस, डायरेक्शन टेस्ट एमसीक्यू, अब बस जो लिफ्ट पे लिफ्ट इतने सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, बैठ करके आराम से प्रैक्टिस कर लो। ये आप कब रखना, देखो कई बार क्या होता है, कुछ कुछ दिन होते हैं, मेरे लिए भी होते हैं, सबकी जिंदगी में आते हैं, जब हमें ना बहुत आलस आ रहा होता है, हमें मन नहीं कर रहा होता कि यार उठ करके थोड़ा पढ़ाई की जाए, लगता है एकदम आराम से पढ़े रहो घर पे, बेड पे खाना मिलता रहे और आराम करते रहो, कोई सीरीज देख ली, वेब सीरीज देख ली, बस खत्म, पढ़ने का मन नहीं है बट, ठीक है ना। तो अगर आपका कोई किसी दिन ऐसा लो सा मूड हो, थोड़ा लो फील कर रहे हो, और ये भी लग रहा है कि यार एग्जाम पास आ रहे हैं, पढ़ना भी है, घर वाले भी डांट रहे हैं पढ़ ले कुछ, ठीक है ना, और अंदर अंदर वो मन भी नहीं कर रहा, इच्छा भी नहीं कर रही कुछ दिमाग ज़्यादा यूज़ करने की, तो आप उठा करके लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन कर सकते हो। इसका फ़ायदा क्या है, एक तो ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगते, ठीक है ना, प्रैक्टिस की प्रैक्टिस हो गई, घर वाले जो डांट रहे थे उनको लगेगा अरे बच्चा पढ़ रहा है हमारा, लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है ना, सारे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट है। पढ़ भी लोगे, गिल्ट भी फील नहीं होगा कि एग्जाम पास आ रहे हैं, मैंने पूरा दिन खराब कर दिया, ठीक है ना, और घर वाले भी सेटिस्फाइड कि बच्चा पढ़ रहा है, और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी जो आपको 20 में से 20 लाने में हेल्प करेगी, तो विन विन सिचुएशन है, ठीक है ना। तो उस टाइम के लिए आप लॉजिकल रीजनिंग को रख सकते हो। मैं ये नहीं बोल रहा कि अपना कोई एक्टिव डे में से टाइम निकाल करके इसको स्पेशली पढ़ो, कोई नॉर्मल ज्यादा किसी दिन बहुत ज्यादा पढ़ लिया, मन नहीं कर रहा ज्यादा पढ़ने का, ठीक है ना, बट फिर भी लग रहा है कि यार
टाइम पड़ा है, कुछ वेस्ट करने की जगह कुछ तो ले लूँ, कुछ तो पढ़ लूँ, तब लॉजिकल रीजनिंग उठा लिया, चलो ये कर लेते हैं। लेकिन इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, बहुत ईजी पार्ट है, 20 में से 20 पक्के हैं। अब अगर देखा जाए, अगर आप लोगों के पास 11 12th में मैथ्स नहीं थी, और एक कैटेगरी जिनके पास मैथ्स थी, तो जिनके पास नहीं थे और जिनके पास थी, कितना एडवांटेज मिलता है, कितना एडवांटेज मिलता है? देखो, एक तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में एडवांटेज मिलेगा, एक डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में एडवांटेज मिलेगा। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन 3 से 4 नंबर का आता है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन मिला करके 4 नंबर के आसपास के आते हैं, ये दोनों चैप्टर्स मिला करके 4 नंबर के आसपास आते हैं। तो 3 से 4, 4 मान लो 8 नंबर ये हो गए। 8 नंबर के अलावा एक प्रोबेबिलिटी मान लो, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी आ जाएगा 3 से 4 नंबर का, तो आप मान के चलो मोटा मोटा 11 से 12 नंबर का एडवांटेज है जिनके पास प्योर मैथ्स थी और जिनके पास मैथ्स नहीं थी इन बच्चों में। 100 नंबर के पेपर में सिर्फ इतना एडवांटेज मिलता है। अब ये एडवांटेज सिर्फ इसलिए क्योंकि वो पढ़कर आए और आपको पहली बार पढ़ना है, बट अगर पढ़ोगे अच्छे से तो एट पार ही आ जाओगे, और इतना मुश्किल नहीं है। मैंने अगेन आपको बोला कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बहुत ईजी लेवल पर बताया गया है, ठीक है ना, बहुत ईजी लेवल पर बताया गया है, तो आप आराम से उसको कोप अप कर सकते हो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। कि आपको ये नहीं लगेगा कि यार वो तो जल्दी कर रहा है, मैं नहीं कर पा रहा, क्यों, क्योंकि वो पढ़ गया है, मैं नहीं पढ़ गया, ऐसा कभी नहीं होगा, आराम से कर लोगे। ओके, पूरे सिलेबस का ओवरव्यू हो गया, ये 22 चैप्टर हम लोगों ने देख लिए, समझ लिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात सुनो, आपको इस पेज पर, इस पूरी शीट पर जो आपके सामने है, कुछ चैप्टर से जो हाईलाइटेड दिख रहे हैं, दिख रहे हैं क्या, कौन से कलर में हाईलाइटेड है? ग्रीन, ग्रीनिश कलर है, हाँ जी बिल्कुल ग्रीन है, ठीक है ना। कई बार क्या होता है ना, यहाँ पर तो ग्रीन दिख रहा होता है, यहाँ पर ग्रे दिख रहा होता है, वो मतलब शेड का फर्क पड़ जाता है, इसलिए मैंने देखा। अब ये जो ग्रीन चैप्टर है क्यों ग्रीन है, मतलब ऐसा क्या है इन चैप्टर्स के अंदर कि इनको ग्रीन करना पड़ा और बाकी चैप्टर्स को नहीं किया? तो इसके पीछे रीजन है इनकी इंपॉर्टेंस। टोटल 22 चैप्टर हैं, और अगर आप देखो ग्रीन चैप्टर्स वो सिर्फ 9 हैं, एक बिजनेस मैथमेटिक्स का है, 4 स्टैटिस्टिक्स के हैं और 4 लॉजिकल रीजनिंग के हैं। 22 में से सिर्फ 9 चैप्टर्स ग्रीन हैं, और 22 चैप्टर 100 मार्क्स के लिए आते हैं और ये चैप्टर 65 मार्क्स कैरी करते हैं। अरे बात समझ, ये 9 चैप्टर्स 65 नंबर कैरी करते हैं और 22 चैप्टर 100 नंबर कैरी करते हैं, यानी ये चैप्टर बहुत ज्यादा वेटेज वाइज इंपॉर्टेंट है। अगर बिजनेस मैथमेटिक्स 40 नंबर का आता है ना, तो इसका 40% 16 नंबर होता है, इस चैप्टर की वेटेज 15 से 16 नंबर की है, सोच लो। यानी अगर आपने ये चैप्टर कर लिया ना जिस दिन, आप क्या बोल सकते हो प्राउडली कि मेरा 40% बिजनेस मैथमेटिक्स कंप्लीट हो गया वेटेज वाइज। कंटेंट वाइज तो एक ही चैप्टर हुआ है 11 में से, बट वेटेज वाइज 40% सिलेबस कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। जिस दिन आपने स्टैटिस्टिक्स के पहले 4 चैप्टर्स कर लिए, ये 4 चैप्टर अराउंड 30 मार्क्स की वेटेज कैरी करते हैं स्टार्टिंग के 4 आउट ऑफ 40, तो आप क्या बोलोगे, आपका 75% स्टैटिस्टिक्स कंप्लीट हो गया। और अच्छी बात पता है क्या है, कि स्टैटिस्टिक्स में मुश्किल चैप्टर ये है और ईजी चैप्टर पहले 4 है, यानी कि इन 3 चैप्टर को पढ़ने में ज्यादा टाइम लगेगा इन कंपेरिजन टू इन 4 चैप्टर्स को पढ़ने में, ठीक है, बात समझ आ रही है। तो अगेन विन विन सिचुएशन, और लॉजिकल रीजनिंग तो मैंने आपको बताई, ठीक है ना, ये एकदम क्या है, स्वीट डिश है भाई, मिठाई, एंड में खाना खाते हैं, मिठाई मिलती है, खुशी होती है, वो है ये, क्लियर हो गई बात। तो जब भी आगे चल के आप लोग रिविजन करोगे, तो आप लोगों को पता है कि हमें प्रायोरिटी किसको देनी है, 9 चैप्टर्स को, क्योंकि ये ज्यादा वेटेज कैरी करते हैं। जब भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, रिविजन करोगे, एग्जाम से एक दिन पहले रिविजन करोगे, तो किन चैप्टर्स को प्रायोरिटी देनी है, इन चैप्टर्स को, क्योंकि ये ज्यादा वेटेज कैरी करता है। अब कोई बुद्धू बच्चा होगा जो बैठ करके इस चैप्टर में लगा पड़ा है, पूरा टाइम लगा रहा है एक दिन पहले, भाई ये चैप्टर 1 से 2 नंबर का आता है, क्या फायदा इसमें, एक दिन एग्जाम से एक दिन पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट डे होता है, पूरा दिन एक चैप्टर में लगा दिया, या ज्यादातर टाइम एक चैप्टर में लगा दिया, वो उस चैप्टर में जो जिसकी वेटेज ही नहीं है, ठीक है ना, क्या बेवकूफी है। तो समझदारी क्या है, कि जो एग्जाम से एक दिन पहले वाला टाइम होता है, एक दिन का गैप होता है, उस दिन सबसे वो बहुत क्रूशियल टाइम होता है, ठीक है ना, आप डिसाइड करेगा कि आपकी जो प्रिपरेशन है उसको आप समराइज करते हो, रिकॉल करते हो और अगले दिन परफॉर्म करके आते हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डे है। तो इस इंपॉर्टेंट डे पे सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को करना सही है ना भाई, ठीक है ना, जो बेकार चैप्टर जो कम कम मार्क्स वेटेज कम कैरी करते हैं उनको करने की जरूरत क्या है, पहले इनको कर लो, टाइम बच गया तो उनको कर लो जो रिमेनिंग चैप्टर्स हैं, बट प्रायोरिटी इनको दो, ये इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया, फर्स्ट क्लास में ही बता दिया। आइए जी, ये देखो कितना बढ़िया कोट है, समझ आ रही है बातें,
क्या कह रहा है ये कोट, वर्क अंटिल योर आइडल बिकम योर राइवल। हाँ जी, दिमाग में एकदम शांत दिमाग से सोचो आपका आइडल है कौन, ना कोई तो होगा। अच्छा, मम्मी पापा के अलावा कौन है? कुछ कुछ सिस्टर, सही है। क्या कर रही है आपकी सिस्टर ऐसा बेटा? अच्छा, तो आपके आइडल है वो? अच्छा, नहीं, आइडल मतलब होता है आपको किसके जैसा बनना है, आप अपने आप को फ्यूचर में किसके किसके लेवल का देखना चाहते हो। अच्छी है तो, अच्छा मुझे उनके जैसा बनना है, ओके सही, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, सोच लिया किसी के आइडल हो सकते हैं वो, टाटा जी, टाटा है ना, टाटा, रतन टाटा। किसी को हो सकता है मुकेश अंबानी, किसी को हो सकता है इलॉन मस्क, ठीक है ना, मुझे दुनिया में सबसे इंटेलिजेंट बनना है। किसी का हो सकता है जेफ बेजोस, मुझे सबसे अमीर बनना है, ठीक है ना। किसी का कोई स्कूल टीचर रहा हो जो उनको लगता है बहुत सही थे, बहुत अच्छे टीचर थे और कुछ सब कुछ अच्छा था, उनके जैसा बनना है, कोई भी हो सकता है। तो वो आज आपके आइडल क्यों हैं? क्योंकि वो आपसे बहुत ऊपर हैं। आप कभी भी किसी रिक्शे वाले को, किसी टैक्सी ड्राइवर को अपना आइडल मानते हो क्या? नहीं, क्योंकि आपको पता है उन, अगर आपका लेवल ये है तो वो आपसे थोड़े नीचे ही हैं, ठीक है। आपके घर वो आते हैं काम वाले, काम अगर मेड्स आती हैं वो काम करने आती हैं, तो आप कभी भी उनको अपना आइडल नहीं बनाते, क्योंकि आपको पता है कि यार ये मेरा भी नीचे है। और आइडल यानी हम कैसा बनना चाहते हैं वो हमारे ऊपर होना चाहिए, ना कि नीचे, बराबर भी नहीं होना चाहिए। आप कभी भी ये नहीं सोचते कि मेरा जो दोस्त है ना मुझे इसके जैसा बनना है, क्यों? क्योंकि भाई वो आपके जैसा है, उसके जैसे आप हो ऑलरेडी, तभी वो आपका दोस्त है। उसके जैसे बन के क्या करोगे? किसी ऊपर वाले को अपने सोचो ना कि मुझे इसके जैसे बनना, मुकेश अंबानी, रतन टाटा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आप अगर अभी यहाँ पर हो तो आइडल्स हमेशा, आइडल्स का लेवल हमेशा यहाँ पर होता है, वो आपसे ऊपर ही होते हैं, तभी वो आइडल्स हैं। आपके लेवल वाले जो होते हैं वो आपके कॉम्पिटिटर्स होते हैं, और आपके नीचे वाले जो होते हैं वो कुछ भी नहीं होते। आप कभी भी नहीं सोचते मैं ऐसा बनूंगा, बल्कि ये सोचते होंगे मुझे इनके जैसा बनना है, ठीक है ना। इनके आइडल हो सकता है आप हो, बट आपके आइडल ये नहीं हो सकते। तो अगर आपको पता हो तो राइवलरी कब होती है? जब सेम लेवल पे होती है, ठीक है ना। आप देखो, रतन टाटा और मुकेश अंबानी राइवलरी कर सकते हैं, ठीक है ना। जेफ बेजोस और एलन मस्क राइवलरी कर सकते हैं क्योंकि वो सेम लेवल पर है। बट क्या जेफ बेजोस मुझसे राइवलरी करना चाहेगा? नहीं। क्या मैं उससे राइवलरी करना चाहूंगा? ऑब्वियसली बात है, नहीं, मैं कर उखाड़ के लूंगा भाई उससे राइवलरी करके। आ रही बात समझ? तो होता क्या है, जब आप सेम लेवल पर आते हो तब एक कॉम्पिटिशन क्रिएट होता है, तब एक राइवलरी क्रिएट होती है। अब आपको इतनी मेहनत करनी है कि जो आज आपके आइडल हैं वो आपके राइवल्स बन जाए। अब राइवल्स बनाने के लिए दो क्या करना है, क्या करना है, अपने लेवल पर लेकर के आना है। अब अपने लेवल पर लाने के लिए दो तरीके हैं, ठीक है ना। या तो नीचे खींच दो, आ जा भाई तू मेरे पास, ठीक है ना, तुझे मैं बर्बाद करूं, ठीक है ना। और दूसरा तरीका क्या है कि खुद मेहनत करो इतनी कि उनके लेवल पर पहुंच जाओ। अब पहला वाला जो काम है ना वो आसान नहीं है। अगर मुझे जेफ बेजोस जैसा बनना है तो क्या पॉसिबल है कि मैं उसे अपने लेवल पे ले आऊं? नहीं। बट मैं इतनी मेहनत जरूर कर सकता हूं कि मैं उसके लेवल पर नहीं तो उसके लेवल के आसपास आ जाऊं, ठीक है। तो आपको इतनी मेहनत करनी है, इतना मेहनत करनी है कि आज जो आपके आइडल्स हो आपके राइवल्स बन जाएं। चलो भाई, इसी के साथ शुरू करते हैं अपनी पढ़ाई। खूब हो गया इंट्रोडक्शन, अब हो जाए थोड़ी पढ़ाई। आप लोगों को दो बुक्स मिलेंगी, आप लोगों को दो रजिस्टर्स भी मेंटेन करने हैं मेरे सब्जेक्ट के। वैसे हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग रजिस्टर रहेगा, आपको बिजनेस लॉस का अलग करना है, बीसीआर का अलग करना है, अकाउंट्स का अलग करना है, ठीक है ना। हर एक सब्जेक्ट का अलग, आठ सब्जेक्ट्स हैं तो आठ अलग अलग रजिस्टर्स करने हैं, ठीक है ना। ये मत सोचना चार पेपर है तो चार रजिस्टर में काम हो जाएगा, पेपर चार होते हैं बट सब्जेक्ट्स आठ है, तो आठ रजिस्टर्स मेंटेन करने हैं। बिजनेस मैथमेटिक्स का अलग रहेगा, स्टैटिस्टिक्स का अलग रहेगा और लॉजिकल रीजनिंग का अलग रहेगा। मैं आप लोगों को दो बुक्स दूंगा। पहली बुक जो है वो बिजनेस मैथमेटिक्स की बुक है, जो आपको दिख भी रही है, ये देखो, इजी गाइड टू बिजनेस मैथमेटिक्स, ठीक है ना, फॉर सीए फाउंडेशन न्यू सिलेबस, ठीक है ना, दिख रही है। फिर इसके अंदर ये देखो, ये सब कुछ आ गया। फिर इसके अंदर एक कंटेंट आ गया, वो 11 चैप्टर्स दिख रहे हैं, वो 11 चैप्टर्स। फिर एक बुक जो है वो ये वाली बुक है स्टैटिस्टिक्स की, ठीक है ना। अगेन सेम क्या लिखा है इसके अंदर, स्टैटिस्टिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है ना। इसके अंदर देखो आपके रिमेनिंग कितने चैप्टर होंगे, 7+4 11 चैप्टर्स, ठीक है ना। 7 स्टैटिस्टिक्स में और 4 लॉजिकल रीजनिंग में। तो आपको स्टार्टिंग वाले जो चैप्टर्स दिख रहे हैं यहाँ तक, ये आपका स्टैटिस्टिक्स है और ये आपका लॉजिकल रीजनिंग है। ओके, बात समझ क्लियर है। हम लोग कैसे शुरू करेंगे अपना सिलेबस,
हम लोग बिजनेस मैथमेटिक्स पहले पढ़ेंगे, कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम लॉजिकल रीजनिंग। तो ऐसा है कि भी बीच में कभी भी आपका मूड किया ना कि सर बहुत हैवी हो गया, जैसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बहुत हैवी चैप्टर हो गया, अब सर थोड़ा ना एक दो क्लासेस लाइट लाइट करा दो, तो मैं लॉजिकल रीजनिंग करा दूंगा, बीच बीच में उठा लेंगे, ठीक है ना। फिर आ गए कोई हैवी चैप्टर्स के ऊपर, ठीक है ना, टाइम वैल्यू ऑफ मनी हो गया या कोई भी चैप्टर हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया स्टैटिस्टिक्स के अंदर, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, वो करा, फिर लगा कि सर बहुत हैवी हो गया, बहुत हेक्टिक हो रहा है, थोड़ा लाइट करा दो, तो फिर लॉजिकल रीजनिंग का एक चैप्टर उठा लिया, इस तरीके से हो जाएगा। तो पहले हम करेंगे क्या, बिजनेस मैथमेटिक्स ये चैप्टर्स, और फिर हम करेंगे क्या स्टैटिस्टिक्स, लॉजिकल रीजनिंग बीच बीच में चलता रहेगा, ठीक है ना, चार ही चैप्टर्स हैं, कभी भी कर लो। आइए जी, अब इस पीडीएफ को मैं बंद कर रहा हूँ जो स्टैटिस्टिक्स वाली है, इस पीपीटी को मैं बंद कर रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको बता दिया। अब हम आ जाते हैं अपने मेन कंटेंट के ऊपर। पहला चैप्टर इंडेसेस है, बहुत इजी चैप्टर है। इस चैप्टर की खासियत क्या है कि आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, इजी है। इस चैप्टर की मुश्किल क्या है, मतलब इस चैप्टर में मुश्किल क्या है, इस चैप्टर में मुश्किल है कि कई बार अगर आपको मैथ्स का फोबिया है तो आपको क्वेश्चन देख के डर लगेगा कि भाई ये क्या आ गया, ठीक है ना, ये थोड़ी ना आना चाहिए था, ये तो मतलब अलग ही लेवल है, तो क्वेश्चन ही क्या है, समझ ही नहीं आ रहा। ऐसा आपको क्वेश्चन देख के जरूर लग सकता है इनिशियली, अगर आपको मैथ्स का फोबिया है तो। अब उस फोबिया का एक ही तोड़ है, थोड़ी प्रैक्टिस कर लो उस टाइप के क्वेश्चन की, आराम से वो फोबिया दूर हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन देखो तो हो सकता है जिसको मैथ्स का फोबिया हो वो बोले सर ये क्या आ गया, ठीक है ना, जिसको मैथ्स का फोबिया है वो बोले कि सर ये क्या आ गया, ठीक है ना, सर ये कैसे अजीब अजीब से क्वेश्चन दिख रहे हैं हम लोगों को, ठीक है ना, वो बोलेगा सर ये क्या आ गया, अजीब अजीब से क्वेश्चन, ये कैसे क्वेश्चन है, कैसे क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो जिनको मैथ्स का फोबिया उनको थोड़ा बहुत डर लग सकता है, यानी इनिशियली आपको क्वेश्चन जो है वो देखने में मुश्किल लग सकता है। और ये मुश्किल, ये जो मुश्किल है ना, ये सिर्फ एक स्टेप की मुश्किल होती है, यानी कि अगर आपको हिट कर गया कि इंडेसिस के क्वेश्चन का पहला स्टेप क्या होगा, 99% चांस है कि क्वेश्चन आपसे हो जाएगा, 99% चांस, यानी कि अगर आपको इंडेसिस का क्वेश्चन देख के समझ आ गया कि पहला स्टेप क्या होगा, पहला स्टेप आप 99% चांस है कि आपसे क्वेश्चन हो जाएगा, और अगर वो पहला स्टेप ही क्रैक नहीं हुआ तो फिर 99% चांस है कि आपसे क्वेश्चन नहीं होगा। अब अच्छी बात है कि चैप्टर ईजी है, तो थोड़ी प्रैक्टिस के बाद आपको हमेशा मतलब 99% केस में स्ट्राइक कर जाएगा कि पहला स्टेप क्या होना चाहिए, तो 99% चांस है कि आपसे क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे, ठीक है ना, आपको मुश्किलें नहीं आएंगी। यहाँ पे देखो इजी इजी क्वेश्चन आप लोगों को दिख भी रहे होंगे, थोड़े मुश्किल भी दिख रहे होंगे, जैसे क्वेश्चन आ गए, ये हो सकता है आपको लग रहा हो सर ये तो पावर ही पावर है इसके अंदर, तो इतनी सारी पावर, ठीक है ना, ये देखो ये पावर्स जो है वो डेसिमल में भी हैं सर, ठीक है ना, पावर्स जो है फ्रैक्शन में भी हैं सर, ठीक है ना, डिवाइड भी हो रहा है, पावर भी आ रही है, सब कुछ इकट्ठा आ गया कि क्वेश्चन के अंदर, तो हो सकता है थोड़ा डर लगे, बट बहुत ईजी है। आइए जी शुरू करते हैं विद चैप्टर। चैप्टर का नाम है इंडेसेस, इट टॉक्स अबाउट पावर, ठीक है ना। अब कुछ बच्चे पूछ सकते हैं सर कौन सी पावर, दोबारा बताना, वो पावर जो जिम जाने से आती है या वो पावर जो पॉलिटिशियन बनने से आती है, ठीक है, कौन सी पावर की बात हो रही है, ये वाली पावर जैसे बिजली चल रही है। तो मैं बोलूंगा कि भाई ये पावर है जो नंबर की पावर होती है, जैसे कि 2 to the power 5 है, तो ये 2 जो है इसको हम क्या बोलते हैं, बेस, और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इंडेक्स ऑफ पावर, बोलते हैं इंडेक्स ऑफ पावर, इंडेक्स ऑफ पावर, और इस इंडेक्स ऑफ पावर के इंडेक्स वर्ड से चैप्टर का नाम रखा गया इंडेक्स, ठीक है ना। तो दिस चैप्टर टॉक्स अबाउट पावर, और ये चैप्टर आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है स्कूल लेवल पे, पावर्स इन एक्सपोनेंट्स करके। आइए देखते हैं अंदर, देखते हैं पहली प्रॉपर्टी क्या है। तो पहली प्रॉपर्टी है बहुत इजी कि अगर किसी भी नंबर को उसी नंबर से बार 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 मल्टीप्लाई किया जाए, जैसे 2 को मैं 2 से बार 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 मल्टीप्लाई करूं, तो इसका आंसर पता है क्या होगा, इसका आंसर होगा 2 to the power, कितनी बार मल्टीप्लाई किया भाई, 1 2 3 4 5 बार किया, 2 to the power, यानी कि अगर ए को ए से एन टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाए, एन टाइम्स, तो आंसर क्या हो जाएगा, a to the power n। इजी, कुछ मुश्किल है क्या इसमें, कुछ भी नहीं है, तो बच्चों वाली चीज़ है, सबको पता है, ठीक है ना। अगर 3 को 3 से 4 बार मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर क्या हो जाएगा, 3 की पावर 4, ठीक है, जिसमें जो ये है 2, ये क्या है आपका बेस, ये है आपका बेस, और एन जो है पावर, ये है इंडेक्स ऑफ पावर, या फिर सिंपली आप पावर भी बोल सकते हो, ठीक है ना, या फिर सिंपली आप पावर भी बोल सकते हो। तो ये प्रॉपर्टी तो सुपर ईजी है, इसमें कुछ भी नहीं है मुश्किल। अगली प्रॉपर्टी क्या है देखिए जरा,
मैं यहाँ एक काम करता हूँ, फ्रेश पेज पे प्रॉपर्टीज करता हूँ, यहाँ पे नहीं करता। सेकंड क्या है, ए टू दी पार माइनस एम, देखना ध्यान से सुनना इस बात को, प्रॉपर्टी के ए टू दी पार माइनस एम को लिखा जा सकता है वन अपॉन ए टू दी पार एम। यानी सिंपल सी बात क्या है, जब भी पावर नेगेटिव दिखे, टेंशन दे, सबसे पहले उसे पॉजिटिव कर दो। नेगेटिव पा रही तो टेंशन दे रही है, उसे पॉजिटिव कर दो। और पॉजिटिव करने का एक ही तरीका है कि नंबर को रिवर्स कर दो। अगर नंबर ए था तो वन अपॉन ए कर दो, अगर नंबर ए था तो उसको वन अपॉन ए कर दो, यानी जो बेस था, नंबर का बेस था उसको रिवर्स कर दो, तो बेस की जो पावर है उसका साइन चेंज हो जाएगा। अब अगर आपके सामने लेट से आ गया 2 to the power -5 निकालो, तो ये क्या होगा 1/2 to the power 5, और ये आपको पता है कितना होता है 1/32, और ये कैलकुलेटर पर आप निकाल सकते हो 1/32 कितना होता है, कैलकुलेटर तो अलाउड है। अरे बात समझ, ठीक है ना, आंसर आ जाएगा। अच्छा, अगर आपके पास नंबर था 1/2 to the power -5, आपको अगर नेगेटिव पावर दिख रही है, बेस को रिवर्स कर दो, बेस अभी का नीचे है, ऊपर ले जाओ, तो ऊपर चला गया बेस और पावर क्या हो गई पॉजिटिव, आंसर क्या गया 32। ये तो सुपर इजी बच्चों वाली चीज है। अब अगर दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन आ जाए, तो यानी कि मान के चलो आपके पास आ गया 3 to the power -5/4 to the power -2, अब क्या करोगे, दोनों की पावर नेगेटिव है, दोनों की पावर नेगेटिव है, दोनों बेस को रिवर्स कर दो, ऊपर वाला नीचे ले जाओ और नीचे वाला ऊपर ले जाओ, तो 3 नीचे चला गया, 4 ऊपर चला गया, इनकी पावर इनके साथ जाएंगी बट साइन चेंज हो जाएगा, 3 के साथ 5 जाएगा और 4 के साथ 2 जाएगा। लो जी आंसर आ गया, ये तो आप कर ही लोगे, 4 × 4 / 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 निकाल लेना आंसर जो भी आएगा, ऊपर तो आ जाएगा 16, नीचे आ जाएगा 243, ठीक है ना 243। आ रही बात समझ, इजी है। अच्छा आगे सुनिए, ये तो बहुत इजी था। अगर आपके पास सिचुएशन कुछ ऐसी आ जाए, 2 to the power -4/3 to the power -4, तो आपको पता है आप क्या करोगे, 3/2 to the power 4। फर्दर क्योंकि 3 की पावर एंड 2 की पावर सेम है, तो आप पावर को कॉमन ले सकते हो, कैसे, 3/2 whole power 4। क्लियर हो गई बात, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अगर आपके पास क्वेश्चन आ गया कि 2/3 to the power -4 क्या होगा, तो आंसर क्या दोगे, 3/2 to the power +4। आया ना, हो जाएगा, कोई मुश्किल है इसमें नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि जब आप ब्रैकेट खोलोगे तो 2 की भी पावर -4 बनेगा और 3 की पावर भी -4 बनेगा। और अब अगर मुझे पावर्स को प्लस करना है, ऐड करना है, यानी प्लस साइन लगाना है पावर के आगे, नेगेटिव की जगह पॉजिटिव करनी है पावर्स, तो 3 को ले जाओ ऊपर, 2 को ले जाओ नीचे, इसकी पावर भी पॉजिटिव, इसकी पावर भी पॉजिटिव। अब आपको पता है क्योंकि पावर सेम है, तो पावर्स को कॉमन लिया जा सकता है, तो मैं लिखूंगा 3/2 whole power 4, आ गया सेम आंसर। तो आपको इस स्टेप से स्टेप पे जाने के लिए क्या ये सब करने की जरूरत है, नहीं, डायरेक्टली कर दो। अगर ब्रैकेट के अंदर जो भी नंबर्स हैं उनको रिवर्स कर दो, तो ब्रैकेट के ऊपर जो पावर नेगेटिव थी वो पॉजिटिव हो जाएगी। इजी, आसान है, एकदम आसान, देखो कितना इजी है। अच्छा एक बात और बताइए, अगर मेरे पास नंबर है 2 to the power 5/3 to the power -4, अब क्या करूं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो पहले तो समझो इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात, 2 to the power 5 × 1/3 to the power 4 क्यों लिख सकते हो, क्योंकि इसका सॉल्यूशन और इसका सॉल्यूशन सेम ही है। अगर आप 2 to the power 5 × 1 करोगे तो आंसर क्या आएगा 2 to the power 5, और 2 to the power 5 के नीचे कुछ नहीं है, तो यानी कि 1 होगा, और 3 to the power -4 × 1 करोगे तो आंसर क्या आएगा 3 to the power -4। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये तो बच्चों वाली चीज़ है, सबको पता होना चाहिए। अब जल्दी से बताइए, मेरी 2 की पावर तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो मैं उसको ऊपर ही रहने देता हूँ, बट मेरी जो पावर 3 की थी वो नेगेटिव थी, तो मैं 3 को ऊपर ले जाऊंगा अगर, तो उसकी पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो यानी कि इस चीज़ को कैसे लिखा जा सकता है, 2 to the power 5 × 3 to the power 4, इस चीज़ को ऐसे डायरेक्टली आप लिख सकते हो। क्लियर हो गया, ईजी है ना मैथ, ठीक है ना, ये तो आपने पढ़ा हुआ है।
देखो मैथ बहुत इजी है, मैं पहले ही बता रहा हूँ, इंटरेस्टिंग भी होती है। अच्छा फिर भी मैं पूछना चाहता हूँ, कौन कौन है जिनको मैथ्स का एक फोबिया है, मतलब डर सा लगता है, और सब फ्रेंड में बैठे हो बताओ, ये दोनों पीछे बैठे हैं, और जिनको डर होता है ना वो आगे बैठते हैं, ठीक है ना, क्लास में ज़्यादा अच्छा समझ आता है। हाँ मतलब नहीं पसंद है, मैं समझ गया, वो फोबिया ही होता है छोटा छोटा, मतलब एक सब्जेक्ट होता है ना जैसे डर सा लगता है कि यार भगवान इसमें पास करा दो, बाकी तो मैं पूरा फीस संभाल लूंगा, ठीक है ना। तो कोशिश करके तो आगे बैठा करो, आगे ना क्या होता है डिस्ट्रैक्शन नहीं होते, आप और मेरे बीच कुछ भी नहीं होता, अभी आप और मेरे बीच बहुत लोग हैं, कोई भी बात कर रहा है, कोई भी फोन पे लगा हुआ है, आपको सब दिखेगा, मैं बाद में दिखूंगा, ठीक है ना, तो आगे बैठा करो। देखिए जी, ए टू द पावर एम ब्रैकेट के बाहर एन, क्या हो जाएगा ए टू द पावर एम एन। अब देखो प्रॉपर्टी इजी है, सुनना, अगर 2 की पावर 5 लिखूं और बाहर फिर 2 लिखूं, तो यहाँ पर हो क्या रहा है, ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट के बाहर पावर्स हैं, तो ब्रैकेट खोलेंगे तो पावर्स क्या होंगी, मल्टीप्लाई होंगे। जैसे अगर ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट के बाहर नंबर है, तो ब्रैकेट खोलने पे क्या होता है, नंबर्स मल्टीप्लाई होता है, इस केस में पावर्स मल्टीप्लाई होंगी, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट के बाहर पावर्स है, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा ये 2 टू द पावर 10। अब आपको समझना है सर ऐसा क्यों हो रहा है, तो बहुत ईजी है, 2 टू द पावर 5 का क्या मतलब होगा जल्दी बताओ, 2 को 2 से कितनी बार मल्टीप्लाई करूँ, 5 बार, ये तो होगा 2 पावर 5 का मतलब। अब 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 टू पावर 2 का क्या मतलब होगा कि इसको इसी से 2 बार मल्टीप्लाई करो, यही तो होगा इसका मतलब। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, एक बार आ गया मल्टीप्लाई का सही लगाया, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3, 4 और 5। अब ओवरऑल हो क्या रहा है, 2 2 से 10 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, यही तो हो रहा है, तो होना क्या चाहिए 2 पावर 10। तो आपको क्या इसको ऐसे करना, फिर इसको ऐसे करना, फिर इसको ऐसे करना, करने की जरूरत है नहीं, आप डायरेक्टली इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आंसर आ जाएगा, बट इसके पीछे लॉजिक पता होना चाहिए कि ऐसा हो क्यों रहा है, ठीक है। ये नहीं कि रट लिया कि जब भी ऐसा होगा तो पावर को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, उसके पीछे भी लॉजिक है, वो लॉजिक भी समझो, समझ आ गया अब तक, तो ये प्रॉपर्टी भी क्लियर हो गई हमारे, तो बच्चों वाली प्रॉपर्टी बताओ जरा। आइए अगला क्या है, ए मल्टीप्लाई बाय बी टू द पावर एम, ए मल्टीप्लाई बाय बी, ए मल्टीप्लाई बाय बी टू द पावर एम। अब देखो एम जो है वो कॉमन पावर है अभी, क्योंकि वो ए की भी है और बी की भी है, तो जब मैं ब्रैकेट खोलूंगा तो होगा क्या, ए की पावर भी एम हो जाएगी और बी की पावर भी एम हो जाएगी। आ रही बात समझ, करके देखते हैं प्रैक्टिकली, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 लिखा तो बट आंसर लिख दिया मैंने, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 टू द पावर 2। अब अगर हम इसे डायरेक्ट सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं, आपको पता है 2 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या होता है, 10, और 10 की पावर 2 कितना होता है, 100। बट अगर हम इसे कॉम्प्लेक्स करके करना चाहें प्रॉपर्टी का यूज करके, तो हम क्या बोलेंगे कि ब्रैकेट के अंदर 2 बेस हैं और पावर कॉमन में है, ब्रैकेट के बाहर है, तो जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो अंदर जितनी भी बेस है सभी की पावर क्या हो जाएगी, वो कॉमन वाली पावर, यानी अगर पावर 2 है पावर, तो ब्रैकेट खोलने पर 2 की भी पावर 2 हो जाएगी और 5 की भी पावर 2 हो जाएगी। बताओ 2 की पावर 2 क्या होता है, 4, और 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25। बताओ 4 × 25 क्या होता है, 100। आ गया सेम आंसर, ठीक है ना, आंसर तो सेम आ गया। तो आप इसको ऐसे करके भी सॉल्व कर सकते हो, ऐसे करके भी सॉल्व कर सकते हो। आप बोलोगे सर ये आसान है तो ऐसे ही करेंगे ना, ऐसे करने की जरूरत क्या है, तो मैं बोलूंगा कि आगे चल के कुछ क्वेश्चन होंगे जिसमें प्रॉपर्टी ऐसे ही अप्लाई करनी पड़ेगी तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा, ऐसा आप अप्लाई ही नहीं कर पाओगे डायरेक्ट तरीके से। फॉर एग्जाम्पल पहला क्वेश्चन, आपको ये सारी बुक्स मिल जाएंगी, आप टेंशन ना लें, ठीक है, जिनको नहीं मिली है मिल जाएंगी। देखो तो पहला क्वेश्चन क्या है, 4x⁻¹⁴ का आंसर क्या होगा, क्या क्वेश्चन है, 4x⁻¹⁴ का आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ क्या होगा, 1/4x⁻¹⁴। कौन कौन बोलते हैं सही है, हाथ खड़ा करूं, अच्छा कोई भी नहीं बोल रहा, बड़े समझदार हो तुम लोग तो। तो अब आपको यहाँ पे क्या देखना है कि पावर जो है कॉमन नहीं है, पावर जो है यहाँ पर वो कॉमन नहीं है, क्योंकि ब्रैकेट का यूज नहीं हो रहा। अगर ब्रैकेट का यूज नहीं हो रहा तो जो पावर है -1/4 किसकी है, जिसके ऊपर ये पावर लगी है उसकी है, एक्स की लग, एक्स के ऊपर है तो एक्स की पावर होगी, यानी कि मैं इसको कैसे लिखूंगा, 4 मल्टीप्लाई बाय x टू द पावर -1/4।
तो ये जो पर 1/4 है माइनस 1/4 है सिर्फ एक्स के 4 की नहीं, 4 की पार तो 1 है भाई, 4 की पार तो 1 है, तो आप 4 नीचे क्यों ले जा रहे हो? तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे 4 तू तो ऊपर ही रहे भाई, एक्स तू नीचे जा, तेरी पार नेगेटिव थी मैं पॉजिटिव करनी है। आगे बात समझ। बट वहीं अगर एक क्वेश्चन होता 4x^-1/4 तो फिर इसका आंसर वो होता जो हमने लिखा, यानी कि 1/4x^-1/4। क्या मैंने सही लिखा है? नहीं लिखा, ब्रैकेट भी तो आएगा भाई, ब्रैकेट भी तो आएगा, क्योंकि ब्रैकेट नहीं लगाऊंगा तो 1/4 पार सिर्फ एक्स की है भाई, 4 की कहाँ गई, तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। अरे बात है समझ। तो छोटी छोटी दिक्कत है जो आप एग्जाम में कराते हो जल्दबाजी में, इनको अवॉइड करना है। क्लियर? ठीक है। देखो एग्जाम में होता क्या है, आपके पास सारे ऑप्शन होते हैं और एग्जामिनर को बताते हैं आप क्या गलती करोगे, तो जो गलतियाँ कर सकते हो ना वो भी ऑप्शन होते हैं। और होता क्या, आपको जैसे दिखा और ये तो ऑप्शन है, अरे टिक करो टिक करो टिक करो, और खुश होकर आते हो, अरे सारे ऑप्शन मैच कर गए, ठीक है ना, पेपर एकदम बढ़िया गया, बट बाद में नंबर नहीं आते, इसी वजह से नहीं आते। चलो अब ये तो बाद में देखेंगे बाकी क्वेश्चंस, प्रॉपर्टीज करें पहले तो भाई। अगला जो फिफ्थ है वो भी सुपर ईजी है, वो भी सुपर ईजी है। वो क्या है कि अगर आपके पास 4/2 है, तो अगेन पावर जो है वो ब्रैकेट के बाहर है, नहीं कॉमन पावर है। तो अगर मैं ब्रैकेट खोलूंगा तो ब्रैकेट के अंदर जितने भी बेस हैं सबकी पावर वो हो जाएगी। तो अगर मैं ब्रैकेट खोलूंगा तो 4 एक बेस था इसकी भी पावर 2 हो जाएगी, और 2 एक बेस था इसकी भी पावर 2 हो जाएगी। मतलब 4 स्क्वायर 4 × 4 होता है, और 2 स्क्वायर 2 × 2 होता है, 2 × 2 = 4। आंसर क्या आ गया? 4। आप बोलोगे सर इतनी मेहनत क्यों करी, डायरेक्ट भी तो हो सकता है। हाँ बिल्कुल हो सकता है। 4/2 कितना होता है? 2। और 2 स्क्वायर कितना होता है? 4। तो अगेन मैं सिर्फ प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करने की वजह से इस तरीके से कर रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है कि क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा। क्वेश्चन कैसा आएगा, जैसे अभी फर्स्ट क्वेश्चन किया, क्या वो मल्टीप्लाई हो रहे थे 4 और x नहीं हो रहे थे, तो उसमें आपको अलग से उसको दिखाना पड़ेगा, ठीक है ना, जस्ट लाइक दिस। तो कई बार क्वेश्चन की सिचुएशन ऐसी होती है कि आप a/b नहीं कर सकते, तो आपको अलग अलग करके दिखाना पड़ता है, ब्रैकेट खोलना पड़ता है, ठीक है ना, a की पार अलग और b की पार अलग करनी पड़ती है। अभी अभी थोड़ी देर में क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये चीज़ रियलाइज होगी। आइए जी अगली प्रॉपर्टी, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी। क्या है? एकदम बच्चों वाली, ये तो सबको पता होगा वैसे। क्या प्रॉपर्टी है देखो, √4 का आंसर क्या होता है ये नहीं जाना चाहता, बट इसको लिख कैसे सकते हैं और कौन सा तरीका है? 4^1/2, ठीक है ना। अब अगर √8 जानना चाहता हूँ तो मैं आंसर नहीं जानना चाहता, इसको लिख कैसे सकते हैं ये जानना चाहता हूँ, तो क्या हो जाएगा? 8^1/3। अब अगर कोई पूछे √4 दो ही क्यों होता है, कुछ और क्यों नहीं, तब उसको क्या बोलोगे कि भाई देख √4 को ऐसे लिखा जा सकता है, और 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, और इसकी पार है 1/2। ये 2 और ये 1/2 जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या बचेगा? 1। और 2 की पार 1 क्या होता है? 2। और इसलिए √4 2 होता है। आ रही बात समझ, ठीक है ना। ऐसे √8 2 ही क्यों होता है, कुछ और क्यों नहीं होता, तो आप क्या बोलोगे कि भाई देख 8 का क्यूब रूट में लिखूंगा 8^1/3, और 8 को मैं लिखूंगा 2 क्यूब, क्योंकि 2 का क्यूब 8 होता है, और पार क्या जाएगी? 1/3। 3 और 1/3 जब टकराएगा तो क्या बचेगा? 1, क्योंकि 3 × 1/3, 3 से 3 कट जाएगा, जैसे ऊपर 2 से 2 कटा था, और आंसर क्या बचेगा? 2^1, विच इज 2। आगे बात समझ आप लोगों को, ठीक है ना, एकदम बेसिक्स है, ठीक है ना। अब आपके दिमाग में एक और चीज़ आ सकती है कि सर यहाँ पर तो चलो 3 था, तो ये 3 जब ऊपर गया पार में गया तो रिवर्स हो गया। अब यहाँ पर आपने रिवर्स करके 1/2 लिखा हुआ है, बट यहाँ पर तो 2 था नहीं। अगर यहाँ पे 2 होता तो ये 1/2 समझ आ रहा है, क्योंकि प्रॉपर्टी के अंदर क्या है, यहाँ पे n है, तो ये n जब पावर में जाता है तो 1/n हो जाता है, बट यहाँ पे तो 2 है नहीं, तो ये 1/2 क्यों कर दिया, ठीक है। तो इसका आंसर कोई देना चाहेगा? मुझे एक बात बताओ, x + 2x क्या होता है? क्यों भाई यहाँ पे तो 1 लिखा नहीं है, यहाँ पे 1 तो लिखा नहीं है, फिर 3x ही क्यों होता है? क्योंकि भाई बाई डिफॉल्ट अज्यूम किया जाता है कि अगर x अकेला है तो इसके साथ कोई तो है, और वो है क्या? 1। इसी तरीके से जब भी स्क्वायर रूट का साइन होता है, जब भी रूट का साइन होता है और ये अकेला है, तो इसके साथ अज्यूम किया जाता है कौन है? 2। तो 2 लिखो या ना लिखो इज सेम, जैसे यहाँ पे 1x लिखो या सिर्फ x लिखो, क्या है? सेम। अब अगर कोई 1x + 2x लिख रहा है तो आपको बेवकूफ़ी लगेगा वो, कि भाई 1 क्यों लिख रहा है, जरूरत थोड़ी ना, सिर्फ x + 2x लिख लेगा, 1 की कोई जरूरत ही नहीं है। ऐसे कोई अगर √4 में 2 लिख रहा है तो क्या लगेगा? बेवकूफ़ लगेगा, कि भाई तू नहीं भी लिखता तब भी पता चल जाता है वो स्क्वायर रूट ही है, ठीक है ना। आ रही बात समझ आप लोगों को, ठीक है ना, एकदम इजी है। तो स्क्वायर रूट के केस में 2 लिखना जरूरी नहीं होता, बट क्यूब रूट है, फोर्थ रूट है,
फोर्थ रूट है, फिफ्थ रूट है, तो फिर नंबर लिखा होगा, ठीक है ना। आइए, ये प्रॉपर्टी सबको समझ आ गई ना यहाँ तक? जैसे कोई डाउट है, पक्की बात, 100% श्योर? आइए जी, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, बहुत इजी प्रॉपर्टीज। यार मैंने जो बुक्स दी थी वो नहीं है यार। अच्छा, आप लोगों की बुक में नहीं? ठीक है ठीक है ठीक, बिल्कुल सही है, मैं कंफ्यूज हो गया, कोई यहाँ पर पा रहे, ठीक है। सुनिए, क्या है सेवेंथ प्रॉपर्टी, कि भाई अगर आपके पास एक बेस है 2 और इसकी पावर है 5, और दूसरा बेस भी है 2 और इसकी पावर कुछ भी हो, कुछ भी हो, और अगर ये दोनों बेस के बीच में है मल्टीप्लाई का साइन, क्या है मल्टीप्लाई का साइन, तो बताओ पावर्स मल्टीप्लाई हो रही है या बेस मल्टीप्लाई हो रहा है? बेस। तो क्या इसको 2 to the power 5 मल्टीप्लाई बाय 35 लिखना कोई सेंस है? नहीं, ठीक है ना, ऑब्वियस ही बात है, कोई सेंस नहीं है। तो जब बेस मल्टीप्लाई होते हैं तो पावर्स ऐड होती हैं, तो 5 + 7 क्या होता है? 12। बट अगर ये 2 की पावर 5 और फिर पावर 7 होता तो फिर आंसर होता 2 power 35। अब पावर्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो यहाँ पर और यहाँ पर कन्फ्यूजन आता है कई बार कि सब कब पावर्स ऐड होती हैं और कब मल्टीप्लाई होती हैं। तो देखो ना भाई, अगर यहाँ पर देखा जाए तो पावर्स मल्टीप्लाई थोड़ी ना हो रही है, बेस मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पावर्स को ऐड करो। क्यों ऐड करोगे? सिंपल लॉजिक है, 2 की पावर 5 का क्या मतलब है कि 2 को 2 से 5 बार मल्टीप्लाई करो, और 2 की पावर 7 का क्या मतलब है कि 2 को 2 से कितनी बार मल्टीप्लाई करो? 7 बार, 4 बार कर दिए, 5, 6, 7। तो अल्टीमेटली मैंने क्या देखा, 2 2 से बहुत बार मल्टीप्लाई हो रहा है, कितनी बार? 5 + 7, 12 बार, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 12। अरे बात समझ, इजी, ठीक है ना। तो पावर्स कब ऐड होती हैं और पावर्स कब मल्टीप्लाई होती हैं, इसमें कभी भी कन्फ्यूजन अब नहीं आना चाहिए, ये बहुत लॉजिकल है, ठीक है, इसमें कोई रटने वाली चीज़ भी नहीं है, एकदम लॉजिकल है। आइए जी आगे बढ़े, तो यहाँ पर देखो, अगर बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, बेस सेम होना बहुत ज़रूरी है। अगर 2 की पावर 3 है और 3 की पावर 3 है, तो आप इसको 2 की पावर 6 नहीं लिख सकते, ना ही 3 की पावर 6 लिख सकते, दोनों ही गलत है। क्योंकि पार्स कब ऐड होते हैं? जब बेस सेम हो, जब बेस सेम नहीं होंगे तो पार्स ऐड नहीं होंगे, ठीक है ना। तो बेस का सेम होना बहुत ज़रूरी है, बेस का सेम होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए देखो, मैंने अगर पहला बेस ए लिखा है तो दूसरा बेस भी ए लिखा है, बी नहीं लिखा, या अगर ये ए है तो ये भी ए है, बी नहीं है। तो बेस अगर सेम है, पावर्स अलग अलग हो, चलेगा, आंसर जो आएगा वो आएगा वही बेस जो लिखा गया है, और पावर्स ऐड हो जाएंगी, और पावर्स ऐड हो जाएंगे, ठीक है ना। अगला क्या है, अगर बेस सेम है और पावर्स डिफरेंट है, और बेस के बीच में मल्टीप्लाई का साइन नहीं है, डिवाइड का साइन है, इन दैट सिनेरियो पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। यानी कि अगर 3 to the power 5 है और 3 to the power 3 है, बेस सेम है, बीच में किसका साइन है? डिवाइड का। अब पावर्स जो है वो क्या हो जाएंगी? सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, आंसर आ जाएगा 3 का square। क्यों हो रही है? एकदम कॉमन सेंस। 3 to the power 5 का क्या मतलब है कि 3 को 3 से 5 बार मल्टीप्लाई करना है, और 3 to the power 3 का क्या मतलब है? 3 को 3 से 3 बार मल्टीप्लाई करना है। और जब मल्टीप्लाई का साइन ऊपर नीचे तो कट सकती हैं चीज़ें, ठीक है ना। तो ये तीन कट गया, ये तीन कट गया, ये तीन कट गया, तो क्या कितने 3 बचे? 2। 3 से 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 3 square, ठीक है ना। तो आपको ये रटना नहीं है कि हमेशा माइनस होगा, लॉजिक समझना क्यों होता है, ठीक है ना, क्योंकि चीज़ें कट जाती हैं, कटने के बाद जो बचती हैं वो वही बचता है, वो उतनी ही नंबर्स बचते हैं जितनी पार को सब्ट्रैक्ट करने से पार बचती है, उतने ही नंबर्स बचते हैं जितने पार को सब्ट्रैक्ट करने से आंसर बचता है। आइए, ये भी हो गया 8th। अब आ जाते हैं आखिरी कुछ प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। 9th प्रॉपर्टी बहुत ईजी, कोई भी नंबर हो, कोई भी फंक्शन हो, कोई भी वेरिएबल हो, उसकी पार अगर 0 है तो आंसर हमेशा 1 होगा। कोई भी नंबर, कोई भी वेरिएबल, कोई भी फंक्शन की पार अगर 0 हो, आंसर हमेशा 1 होगा, ये आप याद रखना, ठीक है ना। अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज 10 and 11, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत ईजी प्रॉपर्टीज हैं। क्या लिखा है कि भाई अगर इक्वल टू का साइन है और इक्वल टू के साइन के दोनों साइड सेम बेस है, और पावर्स जो हैं वो एक गिवन है, एक गिवन नहीं है, और आपसे पूछा जा रहा है कि जो पावर गिवन नहीं है वो क्या होगी, तो आंसर इज 3। यानी कि अगर बेस सेम होता है और बीच में इक्वल टू का साइन होता है, तो पावर्स भी हमेशा सेम होती हैं। देखो इक्वेशन समझ आता है आपको, क्या होता है इक्वेशन? व्हाट डू यू मीन बाय इक्वेशन? क्या है इक्वेशन? ठीक है ना, एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी, एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट और उसमें इक्वल टू का साइन है, वो एक इक्वेशन है, सिंपल बात है। अब इक्वेशन में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है वो किसकी होती है? इक्वल टू की। अब इस इक्वल टू साइन को हमेशा जो है ना इंसाफ दिलाना होता है, इंसाफ मतलब कि LHS इक्वल टू RHS करना होता है। अगर LHS इक्वल टू RHS नहीं हो रहा तो आप बोलोगे कि इस इक्वल टू साइन को है ना इंसाफ नहीं मिल रहा,
इंसाफ नहीं मिल रहा, इसको इंसाफ कब मिलता है जब LHS RHS बराबर हो। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि इसको इंसाफ दिलाओ, ठीक है ना, यानी कि LHS RHS इक्वल करो और बताओ एक्स की वैल्यू क्या होगी। यानी कि अब एक्स की जगह ऐसा क्या लिखूं मैं कि LHS RHS बराबर हो जाए, ये तो है इसका मतलब कि एक्स की जगह क्या लिखूं मैं कि LHS RHS बराबर हो जाए। क्या वन लिखूं? नहीं। थ्री क्यूब? क्या टू का क्यूब टू पार वन के बराबर होता है? नहीं। टू लिखूं? नहीं, क्योंकि टू का क्यूब और टू की पार टू बराबर नहीं होता। थ्री लिखूं? बिल्कुल हाँ, एक थ्री ही तो है जो इस इक्वल टू साइन को इंसाफ दिलाएगा। और कोई नंबर पैदा हुआ है आज तक जो इस इक्वेशन के अंदर x की जगह लिखा जाए, थ्री के अलावा कोई भी ऐसा नंबर जो इस इक्वेशन में x की जगह लिखा जाए और इस इक्वेशन को इंसाफ मिल जाए, ऐसा कोई नंबर पैदा नहीं हुआ है? नहीं हुआ, एक ही नंबर है थ्री। तो ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि अगर बेस सेम हो और बीच में इक्वल टू का साइन हो तो पावर भी हमेशा सेम होंगी। बस कंडीशन क्या है कि बेस सेम होना चाहिए, बेस सेम होना चाहिए। अगली प्रॉपर्टी क्या बोलती है? ये बोलती है कि भाई देखो, अगर बेस आपके पास गिवन नहीं है बट पावर सेम है, एक बेस गिवन नहीं बट पावर सेम है, तो इसका मतलब ये हुआ, और पावर सेम है बीच में इक्वल टू का साइन भी है, बीच में इक्वल टू का साइन भी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि बेस भी सेम होगा। यानी कि अगेन सेम चीज, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना है। एक्स की जगह क्या लिखूं कि LHS इक्वल टू RHS हो जाए? सिर्फ थ्री लिखा जा सकता है, सिर्फ थ्री लिखा जा सकता है। थ्री के अलावा कोई भी नंबर लिखूंगा कि LHS इक्वल टू RHS होगा? नहीं। यानी कि अगर पावर सेम है बीच में इक्वल टू का साइन है तो बेस भी हमेशा सेम होगा, ठीक है ना। अगर पावर सेम है बीच में इक्वल टू का साइन है तो बेस भी हमेशा सेम होगा। ये बात समझ आ गई आप लोगों को? आपको इंडेसिस के क्वेश्चंस जब भी एग्जाम में आए और क्वेश्चन के अंदर आपको दिख जाए इक्वल टू का साइन, जैसे अभी आप स्टार्टिंग में देखोगे तो आपको क्वेश्चन के अंदर इक्वल टू का साइन नहीं दिखेगा। देखो, क्या किसी क्वेश्चन में इक्वल टू का साइन दिख रहा है आपको? फर्स्ट में, सेकेंड में, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, सिक्स में, नाइन्थ में, टेंथ में, किसी में दिख रहा है क्या? किसी भी क्वेश्चन में इक्वल टू का साइन दिख रहा है? नहीं। तो इन किसी भी क्वेश्चन में प्रॉपर्टी भी यूज नहीं होगी 10th और 11th। बट अगर किसी क्वेश्चन में आपको इक्वल टू का साइन दिख गया, 21 में दिख गया, ठीक है ना, 15-16 में देखो नहीं दिख रहा, 15-16 में नहीं दिख रहा, ठीक है ना, 16 में भी नहीं दिख रहा, 17 में देखो दिख गया, जिस भी क्वेश्चन में अगर आपको इक्वल टू का साइन दिख जाए तो आपके दिमाग में सिर्फ यही आना चाहिए कि या तो प्रॉपर्टी 10 लगेगी या प्रॉपर्टी 11 लगेगी, या तो प्रॉपर्टी 10 लगेगी या प्रॉपर्टी 11 लगेगी। तो आपको मैंने पहले ही बता दिया कि क्वेश्चन नंबर 17 में, 18 में, 19 में प्रॉपर्टी 10 या 11 का ही यूज करना है हम लोग को, तभी आपका आंसर आएगा। और कोई प्रॉपर्टी इस टाइप की सिचुएशन से डील ही नहीं करती। ये दो ही प्रॉपर्टीज हैं जो इक्वल टू वाले क्वेश्चन से डील करती है, इंडेक्सेस के इक्वल टू वाले क्वेश्चन से डील करती है, ठीक है ना। आइए चलिए अगला, 12th प्रॉपर्टी। 12th प्रॉपर्टी क्या है? 12th प्रॉपर्टी बोलती है कि भाई मैं 11th प्रॉपर्टी की बात को गलत प्रूफ कर सकती हूँ। यानी क्या बोलती है कि बेस अगर डिफरेंट होगा और पावर सेम होंगी तब भी इस इक्वल टू साइन को इंसाफ मिल सकता है। बेस डिफरेंट होगा और पावर सेम होगी तब भी इस इक्वल टू साइन को इंसाफ मिल सकता है, बट पावर होनी चाहिए जीरो। पावर सेम होनी चाहिए ना, और वो सेम पावर कौन सी होनी चाहिए? जीरो। देखो ये भी वन और ये भी वन, क्या इक्वल टू साइन को इंसाफ मिल रहा है? आंसर इज LHS इक्वल टू RHS, ठीक है ना। तो क्या बोला कि अगर, देखो 11th प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं सुनना, 11th प्रॉपर्टी बोलते हैं कि अगर 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 पावर सेम है और बीच में इक्वल टू का साइन है तो बेस भी हमेशा सेम होगा। ध्यान से देखो सुनना, अगर पावर सेम है और बीच में इक्वल टू का साइन है तो बेस भी हमेशा सेम होगा। बट यहाँ पे क्या बोलती है 12th केस में कि पावर सेम है और बेस अनइक्वल है फिर भी इक्वल टू साइन को इंसाफ मिल सकता है। कंडीशन क्या है कि पावर होनी चाहिए जीरो। आगे बात समझ आप लोगों को? ठीक है, ठीक है। ऑल्दो ये प्रॉपर्टी किसी काम की नहीं है, कहीं यूज नहीं होती है प्रॉपर्टी, बट सिर्फ पता होना चाहिए, पता होने के लिए ठीक है बट किसी काम की नहीं है। चलिए भाई आखिरी प्रॉपर्टी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ए की पार एक्स इक्वल्स टू वाई है अगर, अगर तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? ए इक्वल्स टू वाई की पार वन बाय एक्स। यानी आप लोगों ने सीखा है कि पावर जब भी इक्वल टू साइन के दूसरी तरफ जाती है तो रिवर्स हो जाती है। बस वही प्रॉपर्टी है कि पावर अगर एक्स की इक्वल टू साइन के दूसरी तरफ गई, यानी ए के पास थी वाई के पास गई, तो ये रिवर्स हो जाएगी। अगर बहुत ईजी है, मुझे बताओ टू क्यूब क्या होता है? एट। तो क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, टू इज इक्वल टू एट टू द पावर वन बाय थ्री? लिख सकता हूँ, बस वही चीज़ को प्रॉपर्टी भी बोलना चाह रही है।
कुछ डिफरेंट थोड़ी ना बोल रही है। अरे बात समझ आप लोगों को, जैसे देखो टू स्क्वायर क्या होता है, फोर, तो टू को क्या लिखा जा सकता है, फोर टू दावर वन बाई टू। ठीक है, किसी के साथ भी आप ये चीज़ ट्राई कर सकते हो, ठीक है ना, किसी भी सिचुएशन के साथ। बस यही चीज़ है, सिंपल सी बात है भाई। चलो भाई ये भी हो गया, अगर ए टू दावर एक्स वाई है तो ये क्या हो जाएगा, वाई टू दावर वन बाय एक्स। जल्दी से एक बार जल्दी से सारी प्रॉपर्टीज पे नज़र मारो और मुझे बताओ किसी भी प्रॉपर्टी में कोई दिक्कत है क्या, अगर नहीं है तो आगे बढ़ेंगे, और अगर है तो पूछो सर एक बार इस प्रॉपर्टी को दोबारा समझा दो सर। हाँ जी आगे बढ़ जाएं, अब एक एक करके क्वेश्चन करना। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो पता ही हम लोगों को क्या था, सी ऑप्शन, ठीक है ना। फोर की पावर तो वन थी, ठीक है, तो उसको हमने ऊपर ही रखा, एक्स की पावर नेगेटिव थी तो एक्स को नीचे लेगा, पावर इसकी पॉजिटिव हो गई, सी ऑप्शन। अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, इफ द इंडेक्स ऑफ एनी पावर फंक्शन, यानी कि पावर ऑफ एनी फंक्शन इज जीरो, तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, वन, ठीक है ना, वन, ऑब्वियस सी बात है। बताओ थर्ड क्वेश्चन, ध्यान सुनना, इस टाइप के क्वेश्चन में ये जो पावर का डिनोमिनेटर है ये हिंट है, पावर का डिनोमिनेटर हिंट है। क्या हिंट है, कि जिस नंबर की ये पावर है ये नंबर आ सकता है विथ पावर फाइव, यानी कोई ना कोई ऐसा नंबर होगा जिसकी पावर फाइव करने से 32 आ जाएगा। ये जो हिंट, ये क्या, दोबारा सुनना, अगर 32 की पावर, क्वेश्चन क्या पहले मैं लिख देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन ये है, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि ये जो पावर का डिनोमिनेटर है ये हिंट है। क्या हिंट है, कि कोई तो ऐसा नंबर होगा जिसकी पावर 5 करने से, जिसकी पावर 5 करने से 32 आ जाएगा, और हमें पता है 2 की पावर 5 क्या होता है, 32। तो मैंने 2 की पावर 1 की जगह तो 2 की पावर 1 लिखा, 32 की जगह लिखा 2 की पावर 5, और 1 बाय 5 आ गया एज इट इज, 5 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय 5, पावर्स मल्टीप्लाई हो रही है, 5 और 1 बाय 5 टकराएगा तो 1 बचेगा, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1, आंसर क्या आ जाएगा, 4। आपको सिंपली पता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होता है, 4। या फिर आप बोल सकते हो कि सर देखो बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 स्क्वायर क्या होता है, 4। ठीक है, कोई भी प्रॉपर्टी लगाओ, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, इसका आंसर क्या आ गया, 4। अगला बताइए, देखो अगेन सुनो, पावर का डिनोमिनेटर 8 है, 8 है, यानी कि कोई तो नंबर है जिसकी पावर 8 करने से 256 आता है, और वो है 2, वो है 2। ये एक्सपीरियंस आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना, थोड़ा एक्सपीरियंस आपको पता चल जाएगा। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 2 मल्टीप्लाई बाय 256 की पावर माइनस 1 बाय 8 की आपको वैल्यू निकालनी है। तो ये 8 जो है हिंट है क्या, कि कोई तो नंबर होगा जिसकी पावर 8 करने से 256 आ जाएगा, तो 2 को मैंने एफिटिव लिखा, ठीक है ना, और 256 को मैंने लिखा 2 की पावर 8, ठीक है ना, क्योंकि 2 की पावर 8 256 होता है, और 256 की पावर क्या है, माइनस 1 बाई 8, 8 और 8 कट जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस वन। अब 2 की पावर 1 है और 2 की पावर माइनस 1 है, दो तरीके हैं आगे सॉल्व करने के, बेस सेम है, पावर्स ऐड कर दो, तो एक पार है प्लस वन, एक पार है माइनस वन, तो ऐड करने से क्या हो जाएगा, प्लस वन माइनस वन यानी कि जीरो, टू की पार जीरो क्या हो जाएगा, वन। और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है कि सर टू की पार वन है और दूसरा टू की पार माइनस वन है, दूसरे वाले टू को आप लिखो वन अपॉन टू की पार वन, तो ये टू और ये टू कट गया, आंसर क्या आ गया, वन। अगली बात समझ, ठीक है ना, तो आप मल्टीपल प्रॉपर्टीज लगा करके सॉल्व कर सकते हो, यानी कि आप एक ही तरीके से सॉल्व करो, आप अलग अलग तरीके से सोचोगे ना तो आपके दिमाग में प्रॉपर्टीज और अच्छे से बैठेंगी, ये फायदा है इसका, ठीक है ना, ये फायदा है। तो क्योंकि ये पार माइनस वन बची थी तो टू की पार वन एजिटेज आ गया, एजिटेज आ गया, और मल्टीप्लाई का साइन एजिटेज आ गया, और टू की पार माइनस वन को लिखा मैंने वन अपॉन टू की पार वन, अब टू की पार वन नीचे भी है, टू की पार वन ऊपर भी है, कट गया, आंसर बच गया, सुपर ईजी। आइए अगला क्वेश्चन बताइए क्या होगा, फिफ्थ। अच्छा आंसर पूछ रहा है कि इसका जो आंसर वो इंटीजर है, फ्रैक्शन है, वन है, क्या है इसका आंसर,
तो अगर तो वन आ रहा है तो वन बोल दो, अगर इसका आंसर फ्रैक्शन में आ रहा है या डेसिमल्स में आ रहा है तो बोल दो क्या है, फ्रैक्शन है। और अगर इसका आंसर नॉर्मल इंटीजर आ रहा है यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसा कोई नंबर आ रहा है जो फ्रैक्शन भी नहीं है डेसिमल में भी नहीं है तो बोल दो इंटीजर है। नहीं, इंटीजर आएगा। सुनो अगली बात सुनो, देखो अब तक मैंने आपको दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं। क्या? अगर इंडेक्सेस के क्वेश्चन में इक्वल टू का साइन है तो प्रॉपर्टी 10 या 11 लगेगी, पहली इंपॉर्टेंट बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि अगर आपकी आपके पास पावर है और पावर का कोई डिनोमिनेटर है तो डिनोमिनेटर हिंट होता है कि जो बेस है वो आ सकता है इजिली। कैसे? जैसे यहाँ पर 5 था, डिनोमिनेटर 5 था, तो कोई तो नंबर होगा जिसकी पावर 5 करने से 32 आ जाएगा, ये हिंट होता है। अगला सुनो, अगला इंपॉर्टेंट बात सुनो, अगली इंपॉर्टेंट बात सुनो, 2 की पावर 1 बाय 2, 2 टू द पावर 2 टू द पावर 1 बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 4 टू द पावर 3 बाय 4। अगली इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर इंडेक्सेस के क्वेश्चन में मल्टीप्लाई का साइन है तो आपको सबसे पहले फोकस करना है कि क्या बेस सेम हो सकता है। अगर बेस सेम हो सकता है तो हमारा काम आसान है। यहाँ पर बेस है 2, क्या ये वाला बेस 2 किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, लो जी काम आसान हो गया। अब सुनना कैसे, 2 टू द पावर 1 बाय 2 एज इट इज लिखा, 4 को मैंने क्या लिख दिया, 2 स्क्वायर, 4 को क्या लिख दिया, 2 स्क्वायर, बेस 2 हो गया और 4 की पावर क्या है, 3 बाय 4। अब 2 टू द पावर 1 बाय 2 मैंने एज इट इज लिखा, अब बताओ 2 मल्टीप्लाई बाय 3 बाय 4 पावर्स मल्टीप्लाई होंगी, 2 1 सा 2 2 सा क्या आंसर आ जाएगा, 3 बाय 2। तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 टू द पावर 3 बाय 2। अब देखो बेस सेम हो गया, मल्टीप्लाई का साइन है, प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। कौन सी? बेस सेम, मल्टीप्लाई का साइन, तो पावर्स ऐड होती हैं। तो 1 बाय 2 प्लस 3 बाय 2 क्या होता है, 1 बाय 2 प्लस 3 बाय 2 क्या होता है, एलसीएम ले लो, ठीक है ना, 2 आ जाएगा, 1 प्लस 3 यानी कि 4 बाय 2, 4 बाय 2 कितना होता है, 2 होता है, तो हमने क्या बोल दिया, ये हो जाएगा 2 यानी कि आंसर आ जाएगा 4। पता 4 इंटीजर होता है? बिल्कुल होता है, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, एन इंटीजर, ठीक है ना, आंसर क्या आएगा, एन इंटीजर, एन इंटीजर। क्लियर हो गई बात? तो तीन इंपॉर्टेंट बातें दोबारा, अगर इक्वल टू का साइन इंडेक्सेस के क्वेश्चन में प्रॉपर्टी 10 और 11 को याद करना है। अगर कोई भी नंबर है, कोई भी बेस उसकी पावर है और वो फ्रैक्शन में है तो उसको जो डिनोमिनेटर है वो हिंट होता है। और तीसरा, अगर इंडेक्सेस के क्वेश्चन में मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है ना, और अगर आपको लग रहा है कि बेस सेम किया जा सकता है तो उसको करो, उससे क्वेश्चन आसान होता है, ठीक है ना। अगर बेस सेम नहीं हो सकता तो कोई जरूरत नहीं है, बट अगर हो सकता है तो करो। सिक्स्थ क्वेश्चन, करें आप लोग ट्राई करेंगे क्या? चलो लिखो मेरे साथ अपने रजिस्टर्स में, 8a टू द पावर 3 बाय 2 डिवाइडेड बाय 27x टू द पावर 1 बाय 2 और होल पावर क्या है, कॉमन पावर क्या है, 2 बाय 3। ये क्वेश्चन है, तो 10th प्रॉपर्टी समझा दो, अभी समझाता हूँ बेटा, अभी समझाता हूँ, ये वाला क्वेश्चन करो फिर समझाता हूँ। आजकल भाई कोविड दोबारा फैल रहा है, बच के रहो थोड़ा। आ गया आंसर, बताइए क्या आ रहा है, 4a/9x^1/3। वेरी गुड भाई, वेरी गुड। जिसका नहीं आया सुनो भाई सुनो, कॉमन पावर है 2/3, तो जो 2/3 पावर है ये 8 की भी है, ये ए की भी है, ये 27 की भी है और ये एक्स की भी है। अरे बात समझ, तो अब मैं क्या करूँगा, मुझे पता है कि जो पावर का डिनोमिनेटर है ये हिंट होता है, ठीक है ना, तो यानी कि 8 नंबर लाया जा सकता है कोई ना कोई नंबर की पावर 3 करने से, और मुझे पता है 2 की पावर 3 8 होता है, तो मैंने 8 को लिख दिया 2 की पावर 3, ठीक है ना। अब जब मैं ब्रैकेट खोलूंगा तो 2/3 जो पावर है 8 की भी बनेगी, ए की भी बनेगी, 27 की भी बनेगी, एक्स की भी बनेगी, और क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर पावर, ब्रैकेट के बाहर पावर, ठीक है ना। तो 8 की पावर 1 है, ठीक है ना, तो 8 को लिख दिया मैंने 2/3,
क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, 2/3 ब्रैकेट खोलने पर। फिर ए की पावर 3/2 है, क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, अगेन 2/3। नीचे 27 को क्या लिखूंगा, 3³। 27 की पावर क्या है, 2/3। देखो 27 को लिखूंगा ऐसे, 27 की पावर क्या है, 2/3। तो ये 3 और ये 2/3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ऐसे लिख दिया मैंने, बिल्कुल सेम तरीके से ऊपर लिखा था। 8 की पावर क्या है, 8 की पावर क्या है, 2/3। तो 8 को मैंने लिख दिया 2³, और 8 की पावर क्या है, 2/3। अब 3 और 2/3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ऐसे लिख आ जाएगा, ठीक है ना, डायरेक्टली लिख दिया मैंने एक स्टेप बचाने के लिए। मल्टीप्लाई बाय एक्स की पावर क्या है, 1/2, और क्या है, 2/3 भी है। लो जी आंसर आ गया, कुछ करना ही नहीं है भाई, हो गया। सुनो, ये 3 और ये 3 कट गया, 2² क्या होता है, 4। ये 3 कट गया, ये 2 कट गया, ए की पावर 1 क्या होता है, ए। चलो ये 3 कट गया, 3² क्या होता है, 9। x आ गया, अब 2 से 2 कट गया, x की पावर क्या हो गया, 1/3, क्योंकि ऊपर क्या है, 1 × 1 यानी कि 1, और नीचे क्या है, 1 × 3 यानी कि 3, तो 1/3 आंसर आ गया। ये है इजी क्वेश्चंस। याद रखो, इंडेक्सेस के क्वेश्चन का पहला स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट, अगर वो समझ आ गया क्या है तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, और वो समझ नहीं आया तो क्वेश्चन करने में दिक्कत आएगी, यानी बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपसे वो क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है। देखो, हो सकता है हो भी जाए, बट नहीं होगा, मैं किस इंटेंट से बोलता हूँ, वो समझना, इंटेंट समझना। अगर आपके एग्जाम में 100 क्वेश्चन आने हैं और आपको 2 घंटे का टाइम मिला है, तो आपको 100 क्वेश्चन को करने के लिए कितने मिनट हैं, 120। 20 मिनट हटा दो, क्यों, पेपर रीड करोगे, रिवाइज करोगे, OMR शीट आती है, OMR शीट भरोगे, 100 क्वेश्चन के आगे सर्कल भी लगाना है, कौन सा ऑप्शन सही है, तो उसमें 20 मिनट जाएंगे अप्रॉक्स। तो मोटा मोटा अराउंड 100 मिनट आपके पास है 100 क्वेश्चन करने के लिए, यानी कि एक क्वेश्चन को करने के लिए 1 मिनट। अब अगर आपसे एक क्वेश्चन 1 मिनट में नहीं हुआ तो उसको छोड़ो, क्योंकि अगर आपने एक क्वेश्चन को करने में 10 मिनट लगा दिए, तो आपने एक क्वेश्चन को करने में अगर सही हुआ है तो 1 नंबर तो ऑब्टेन किया, बट आपने अपने बाकी के 9 नंबर सेक्रीफाइस कर दिए, क्योंकि 10 मिनट में 10 क्वेश्चन हो जाने चाहिए था, आपने एक ही किया। जहाँ 10 मिनट में 10 मार्क्स आपको आने चाहिए थे, वहाँ पे आपने 10 मिनट में एक ही नंबर गेन किया है। और अगर बाई चांस गलत हो गया तो भाई बड़ी, तो आप 10 मिनट में 10 क्वेश्चन आने करने चाहिए थे, नहीं 10 मार्क्स आने चाहिए थे, बट आप क्या है, -0.25। अरे बात समझ, क्योंकि 10 मिनट में आपने एक ही क्वेश्चन किया, वो भी गलत कर दिया, तो नेगेटिव मार्किंग मिलेगी, ठीक है ना। तो आपको हमेशा टाइम मैनेज करना है, ये आपको हमेशा ना मैथमेटिकली कैलकुलेशन दिमाग में चलनी चाहिए इस पेपर को करते वक्त। अकाउंट्स के पेपर में जरूरत नहीं है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, लॉ के पेपर में जरूरत नहीं है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, मैथ्स और इको के पेपर में नेगेटिव मार्किंग होती है। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, इको का पेपर किसी का छूटता ही नहीं है, मैंने आज तक किसी को नहीं देखा जिसका इको का पेपर छूटा हो, क्योंकि इको के पेपर में कोई कैलकुलेशन नहीं है। तो अगर आपको 100 क्वेश्चन करने हैं 2 घंटे में, तो ईजिली हो जाते हैं, मतलब कोई दिक्कत नहीं आती। जो पेपर छूटता है बच्चों का, मैक्सिमम बच्चों का, वो पेपर 1 कभी नहीं छूटता, पेपर 2 कभी नहीं छूटता, छूटता है कुछ बच्चों का, छूटता है पेपर 3 किसी का भी नहीं छूटता, पेपर 4 किसी का भी नहीं छूटता, जो छूटता है वो है पेपर नंबर 3। तो पेपर नंबर 3 में थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है आपको इन कंपैरिजन टू अदर पेपर्स, स्पेशली कैलकुलेशन प्रैक्टिस। जितने क्वेश्चन ज्यादा करोगे उतनी कैलकुलेशन फास्ट होंगी, उतनी जल्दी एग्जाम में आप कर पाओगे। और इसके अलावा कुछ ट्रिक्स भी होती हैं जो आपको हेल्प करेंगी, अभी आगे चल के जब चैप्टर शुरू होंगे, अभी तो इजी चैप्टर कर रहे हैं हम लोग, आगे चल के चैप्टर्स आएंगे तो मैं आपको ट्रिक्स भी समझाऊंगा कि इस क्वेश्चन को इस ट्रिक से जल्दी किया जा सकता है। नॉर्मल तरीके से करोगे बहुत टाइम लगेगा, 10 मिनट लगेंगे, 1 मिनट के अंदर करना है हम लोगों को, ठीक है। तो आगे चल के जब भी आप प्रैक्टिस करोगे, रिविजन करोगे, तो आप इस चीज को हमेशा देखना कि क्या आप एक क्वेश्चन 1 मिनट में कर पा रहे हो, अगर हाँ तो आपकी प्रैक्टिस ठीक चल रही है, आप उस चैप्टर को अच्छे से कर रहे हो, आपको अच्छे से समझ आ गया है, ठीक है ना। बट अगर 1 मिनट में एक क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा, तो आपको फिर उस चैप्टर में और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, चाहे कॉन्सेप्चुअली हो, चाहे फिर प्रैक्टिस कर करके क्वेश्चंस के आंसर जल्दी निकालने में, ठीक है ना। आपको देखो प्रेजेंटेशन के नंबर तो मिलने नहीं उस पेपर में, तो आपको उस चीज़ पे तो फोकस ही नहीं करना कि प्रेजेंटेशन क्या रखूँ मैं, ठीक है ना। स्टेप मार्किंग है नहीं, प्रेजेंटेशन के नंबर नहीं है, तो आपको सिर्फ फोकस ये करना है कि इसकी कैलकुलेशन जल्दी कैसे हो, ठीक है ना, कि मेरा आंसर जल्दी आ जाए। तो अभी तो मैं आपको देखो कैसे कराता हूँ, अभी मैं आपको जब भी कोई क्वेश्चन करा रहा हूँ तो एक एक माइन्यूट स्टेप भी लिख रहा हूँ कि देखो ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, बट एग्जाम में ऐसे नहीं करना आप लोगों को, ठीक है ना। एग्जाम के अंदर तो आपको आधे स्टेप्स दिमाग में कैलकुलेट कर लेना है कि भाई हाँ ये 2 की पावर 2 हो जाएगा, 2 से 4 कट जाएगा, 3/2 बचेगा, 1/2, 3/2, 4/2 हो जाएगा, 4/2 यानी कि 2 रह जाएगा, 2 की पावर 2 4 होता है, लो जी इंटीजर इसका आंसर है,
ठीक है ना, ये कैलकुलेशन दिमाग में चलनी है, ना कि यहाँ पर जो मैंने इतनी करी है। ये सब तो सिर्फ इसलिए है कि इनिशियली थोड़ा एक ग्रिप बन जाए आप लोगों की, जैसे वो ग्रिप बन जाएगी आप लोगों को इसी पैटर्न से क्वेश्चंस करने हैं, दिमाग में ज़्यादा लिख कर कम। आइए जी, इस क्वेश्चन का हिंट क्या है बताओ, कि कोई तो नंबर होगा उसकी पार 3 करने से 216 आ जाएगा, और वो नंबर मुझे पता है 6 होता है, तो 1/2 और क्या लिखूंगा, 6 की पार 3, 2^1/3, 3 से 3 कट जाएगा तो क्या बचेगा, 6/2, 6/2 कितना होता है 3, तो जी आंसर आ गया। अगर हम सोरे 1 मिनट में क्वेश्चंस, ठीक है ना, ऐसे सारे होने चाहिए, सिर्फ ये नहीं सारे होने चाहिए। पता है इस क्वेश्चन का हिंट क्या है, 3, यानी कोई तो नंबर है जिसकी पार 3 करने से 64 आएगा, और कोई तो नंबर है जिसकी पार 3 करने से 512 आएगा। अब मुझे पता है 4 की पार 3 64 होता है, और 8 की पार 3 512 होता है, और अब अगर मैं ब्रैकेट खोलूंगा तो 1/3 पार 64 की भी बनेगी और ये 512 की भी बनेगी। अब देखो 3 से 3 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा तो 4/8 बचेगा, 4/8 कितना होता है 1/2, ठीक है। अब देखो मैं थोड़े मोड चेंज कर लिया मैंने, पहले मैं एक एक स्टेप डिटेल में लिख लिख कर समझा रहा था, अब मैं आपको थोड़ा ब्रीफली समझा रहा हूँ, बट समझ आ रहा है ना, अगर नहीं आ रहा हो तो मैं दोबारा पहले वाले मोड पे आ जाऊँगा एक एक स्टेप करके समझाना, आपको धीमे धीमे प्रैक्टिस डलवानी है मुझे, अगर मैं वैसे ही समझाता रहा तो आप वैसे ही समझने लगोगे, ना समझ आए तो पूछ लेना, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं डांटूंगा नहीं, मैं डांटता ही नहीं हूँ, मैंने आज तक किसी को नहीं डांटा, पर शोर मत मचाएगा ना मेरी क्लास में ज़्यादा, मैं डांट देता हूँ। चलिए नाइन्थ क्वेश्चन करके दिखाइए, मैं वेट कर रहा हूँ। अच्छा मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, हो सकता है कुछ बच्चों को पीछे वालों को दिखना रहा हो कि एग्जैक्टली क्या है, मैं लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। क्वेश्चन है 6 की पावर 4 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 8 की पावर 5 एंड 2, 8 की पावर 5 एंड 2, फिर 2 की पावर 2 और 3, 2 की पावर 2 एंड 3, और फिर 3 की पावर 2 एंड 2, 3 की पावर 2 एंड 2 अपॉन 6 की पावर 2 3, 6 की पावर 2 3, यानी 2 और 3 दोनों पावर्स हैं, 8 की पावर 3 एंड 4, 8^3 एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 3^3 एंड 2, 3^3 एंड 2, और फिर है मल्टीप्लाई बाय 1 जिसके में ज़रूरत नहीं है। ये आपका क्वेश्चन है, प्रॉपर्टी 10 में जब मैं आपको समझाता हूँ बेटा, मैं भूल गया सेजल, अभी दोबारा समझाता हूँ। फोर, देखो इस क्वेश्चन को करने का सबसे अच्छा तरीका है सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई यानी कि बेस को छोटे से छोटा कर दो, जितना छोटा हो सकता है। तो कैसे होगा, 6 जो है इसका बेस छोटा किया जा सकता है, कैसे, 2 × 3 लिख करके। तो मैंने क्या किया, 2 × 3 लिखा, ये हो गया 6, 6 की पार कितनी है 4 × 2 = 8, ठीक है, 6 की पार कितनी है 8, 8 को क्या लिख सकता हूँ मैं 2³, और 8 की पावर कितनी है 5 × 2 यानी कि 10, फिर 2^6 आ गया यहाँ पर एज इट इज, और 3^4 आ गया एज इट इज, बात समझ आ रही है। अगला 6 को अगेन क्या लिख सकता हूँ 2 × 3, और 6 की पावर क्या है 3 × 2 = 6, 8 को लिख सकता हूँ 2³, और 8 की पावर कितनी है 3^4 = 12, और फिर 3 की पावर 6, ईजी। अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि भाई अगर ब्रैकेट खोला जाएगा तो 2 की भी पावर 8 बनेगा और 3 की भी पावर 8 बनेगा, तो 2^8 भी बनेगा एंड 3^8 भी बनेगा। आई होप आपको प्रॉपर्टी याद हो ये वाली, सबको याद है, ठीक है ना, ब्रैकेट के अंदर अगर बेस अलग अलग हैं, ब्रैकेट खोलने पर सभी बेस की वो पावर बन जाती है। फिर यहाँ पर 2 की पावर बनेगा 30, यहाँ पर 2 की पावर बनेगा 6, और यहाँ पर 3 की पावर आएगा 4, ठीक है ना, 3 × 10 30 होता है। फिर यहाँ पे 2^6 ×
थ्री पार सिक्स मल्टीप्लाई बाय टू पार थर्टी सिक्स मल्टीप्लाई बाय थ्री पार सिक्स। आखिरी स्टेप आंसर आ जाएगा, बेस सेम येरा और येरा, पार से ऐड कर दो इनकी, आठ और तीस थर्टी एट प्लस सिक्स फोर्टी फोर, तो टू पार फोर्टी फोर मल्टीप्लाई बाय थ्री पावर एट प्लस फोर ट्वेल्व, वेरी गुड। नीचे टू पार छः प्लस छत्तीस फोर्टी टू मल्टीप्लाई बाय छः प्लस छः बारह। तो देखो ये और ये कट गया, बेस सेम है, बीच में डिवाइड का साइन है, पार क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। 44 माइनस 42 कितना होता है, 2, तो 2 की पार 2 क्या आ जाएगा, 4। पहले लग रहा था कि यार ये तो कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी इस क्वेश्चन के अंदर, बट पड़ी क्या, नहीं, बिना कैलकुलेटर के सॉल्व हो गया। आगे बात समझ है, चैप्टर इजी। एक दो और क्वेश्चन करेंगे फिर मैं आपको कैलकुलेटर के बारे में बता दूंगा कैसे लेना है कैसा नहीं लेना, जैसे कि आप अगली क्लास में लेकर के आओ। टेंथ क्वेश्चन जल्दी से कर लो, इलेवेंथ तो बच्चों वाला है ऐसे ही बता दोगे आप देख करके, ट्वेल्थ वाला भी इजी है वैसे तो। अभी आप टेंथ करो फिर अगली क्लास में करेंगे, वेरी गुड। देख रही, अरे 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 216 माइनस 2 बाई 3 1 अपॉन 216 माइनस 2 बाई 3 प्लस 256 3 बाई 4 256 माइनस 3 बाई 4 प्लस 32 1 बाई 5 32 पार माइनस 1 बाई 5, ये क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। हाँ जी 102। देखो सबसे बड़ी दुविधा इस क्वेश्चन को देख के लग रही है इसकी नेगेटिव पावर्स। देखो प्रायोरिटी रखो, अगर पर नेगेटिव है पॉजिटिव करो, फ्रैक्शन में है तो फिर वो हिंट का यूज करो, ठीक है ना। बट पहले नेगेटिव है, अगर दोनों है, नेगेटिव भी है फ्रैक्शन भी है, तो पहले उसको पॉजिटिव करो और फिर उसका फ्रैक्शन डील करो। तो देखो क्या है, 216 ऊपर चला जाएगा तो इसकी पार क्या हो जाएगी, 2/3। इसी तरीके से 256 भी ऊपर चला जाएगा, पार क्या हो जाएगी, 3/4। और इसी तरीके से 32 भी ऊपर चला जाएगा, पार क्या हो जाएगी, 1/5। तो पहले ना नेगेटिव पार को मैंने पॉजिटिव के इस पे फोकस किया। अगला अब ये 3 जो है डिनोमिनेटर, ये हिंट है, यानी कि कोई तो नंबर होगा जिसके बाद 3 करने से 216 आएगा और वो नंबर है 6, 2/3। फिर 4 भी हिंट है कि कोई तो नंबर होगा जिसके पास 4 करने से 256 आएगा, 4/4 256 होता है, 3/4। और ये 5 भी हिंट है और 2^5 क्या होता है, 32 होता है। आ गया 3 से 3 गया, 4 से 4 गया, 5 से 5 गया, 6^2 4^3 और 2^1 आंसर आ गया 102। समझ आ गई बात, वही पहला स्टेप है जो इंपॉर्टेंट है। अगर पहला स्टेप समझ आ गया क्या करना है तो क्वेश्चन हो जाता है। तो इसका पहला स्टेप चेंज भी कर सकते थे हम लोग, हम डायरेक्टली डिनोमिनेटर में ही ये वाला स्टेप कर सकते थे, डिनोमिनेटर में ही, यानी 1/6^3 2^-2/3 फिर 3 कट जाता तो क्या बचता है, 1/6^-2 फिर ऊपर जाता 6 तो 6^2 हो जाता, वैसे भी कर सकते थे, बट ज़्यादा ईजी ये है जो मैंने किया है क्योंकि नेगेटिव पार है ना टेंशन देती है, तो पहले तो उसको ठीक करो भाई। अब प्रॉपर्टी नंबर 10 एक बच्चा पूछ रहा था, फिर दोबारा बता दो, मैं दोबारा बता रहा हूँ बेटा, फेजन सुन लो।
अगर आपके पास इक्वल टू साइन है और उसके दोनों साइड सेम बेस है, तो प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि इनकी पावर्स भी हमेशा इक्वल होंगी, इनकी पावर्स भी हमेशा इक्वल होंगी। फॉर एग्जांपल दोनों साइड बेस है 5 और एक साइड पावर गिवन है 10 और एक साइड पावर गिवन नहीं है एक्स है, और क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड एक्स, फाइंड एक्स, तो बताओ एक्स क्या होगा, 10 हो जाएगा। अब अगर इस प्रॉपर्टी पर बेस्ड आपको क्वेश्चन से समझना है कि सर क्वेश्चन करके समझाओ ये प्रॉपर्टी ऐसे समझ नहीं आ रही, तो मैं काम करता हूँ, मैं प्रॉपर्टी नंबर 18 वो क्वेश्चन नंबर 18 कराता हूँ आप लोगों को। 4 × 2n 4 × 2n इज इक्वल टू 256, 256 फाइंड एन, तो क्योंकि इक्वल टू का साइन है प्रॉपर्टी 10 11 का यूज होगा। अब अगर जो फाइंड करना है वो पावर में है तो प्रॉपर्टी 10 यूज करो, जो फाइंड करना है वो बेस में है तो प्रॉपर्टी 11 यूज करो। ये मैं अगली क्लास में लिखवाऊंगा आप लोगों को, ठीक है ना। अब मुझे पता चल गया इक्वल टू का साइन है, जो फाइंड करना है वो पावर में, प्रॉपर्टी 10 का यूज होगा। प्रॉपर्टी 10 के लिए सबसे पहली चीज क्या है, बेस सेम होना चाहिए, दोनों साइड बेस सेम होना चाहिए तभी पावर सेम होंगी। अब बेस सेम करने पर लग जाओ, तो 4 को लिखा 2 स्क्वायर, 2 की पावर n को एज इट इज लिखा, और 2 की पावर 8 क्या होता है 256, तो 2 बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड, और इधर क्या आ गया 2 की पावर 8। बताओ प्रॉपर्टी 10 लग रही है, अब परफेक्ट सिचुएशन बना दी मैंने, बेस सेम बीच में इक्वल टू का साइन तो पावर भी सेम होगी, तो इनकी वैल्यू क्या आ गई 8 − 2 यानी कि 6। समझ आ रहा है आप लोगों को कैसे करना है, ठीक है ना। सेजल समझ आ गया बेटा प्रॉपर्टी 10 क्या है और उसका यूसेज प्रैक्टिकली कैसे होगा। अच्छा आप में से कोई कैलकुलेटर लेकर के आया आज, कोई भी नहीं लाया? अच्छा एक, ओके देखो भाई, मेरा जो फेवरेट कैलकुलेटर एकदम सिंपल वाला वो है कैसियो MJ 12D, ये आपको लेना है। अगर आपको बाय चांस से नहीं मिल रहा तो आपको क्या करना है मैं आप बता देता हूं, एक ऐसा कैलकुलेटर लेना जिस पे बताओ 2 की पावर 5 क्या होता है 32, बट कैलकुलेटर पे कैसे निकलता है सुनना, ट्रिक का यूज करके बता रहा हूँ। ज्यादातर बच्चे क्या करेंगे कैलकुलेटर पे 2 × 2 × 2 × 2 × 2 इज इक्वल टू करेंगे, ठीक है ना, बट ये बहुत टाइम ले जाता है। जल्दी कैसे होता है सुनो, आपको एक बार 2 प्रेस करना है यानी कि जो बेस है वो एक बार प्रेस करना है। अब आपको पता है कि 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करना है, 2 को 2 से 5 बार मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि मल्टीप्लाई करना है तो आप क्या करोगे मल्टीप्लाई का बटन प्रेस करोगे, जो आप करते हैं नॉर्मली 2 × 2 वो करना है। अब आपको वापस से 2 नहीं प्रेस करना, ना आपको वापस से मल्टीप्लाई का बटन प्रेस करना, अब आपको सिर्फ इक्वल्स 2 का बटन प्रेस करना है। तो अगर मेरे पास सामने कैलकुलेटर रखा है और ये MJ 12D है, अच्छी बात है, तो देखो 2 × 2 मैंने किया तो मेरा कैलकुलेटर पर आंसर आ गया 4। मोबाइल कैलकुलेटर पर काम नहीं करती, उसमें मैं ट्राई करना। अब जब एक बार इक्वल टू दबाने पे 4 आया, दूसरी बार इक्वल टू दबाने पे आ गया 8, पहली बार इक्वल टू दबाने पे आया 4, दूसरी बार इक्वल टू दबाने पे आया 8, तीसरी बार इक्वल टू दबाने पे आया 16 और चौथी बार इक्वल टू दबाने पे आया 32। तो मुझे क्या पता चल रहा है कि हर इक्वल टू के साथ एक एक पावर बढ़ती जा रही है, एक एक पावर बढ़ती जा रही है, जैसे कि 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, हर इक्वल्स टू के साथ एक पावर बढ़ती जा रही है। अब मुझे ये भी पता है कि जब मैं पहली बार इक्वल्स टू दबाता हूँ तो मेरी डायरेक्टली पावर 2 आ जाती है, तो यानी कि जो भी पावर होगी उसमें -1 कर दो, उतनी बार आपको इक्वल्स टू दबाना है। तो अगर पावर 5 है तो कितनी बार इक्वल्स टू दबाओगे 4 बार, क्योंकि पहली बार इक्वल्स टू दबाने पर पावर 2 आ जाती है, दूसरी बार दबाने पर पावर 3 आ जाएगी, ये आंसर आ जाएगा, तीसरी बार प्रेस करने पे पार 4 आ जाएगी, और चौथी बार प्रेस करने पे पार 5 आ जाएगी। तो क्योंकि पहली बार प्रेस करने पे 2 से स्टार्टिंग हो जाती है पार की, तो जितनी भी पावर है उसमें -1 टाइम्स आपको इक्वल्स टू प्रेस करना होता है। फॉर एग्जांपल 1.02, इसके बाद 20 निकालना है, तो मैं क्या करूंगा 1.02 टाइप करूंगा पहले, तो मल्टीप्लाई का बटन प्रेस करूंगा, बेस भी एक बार आपको लिखना है और मल्टीप्लाई का बटन भी एक ही बार प्रेस करना है पूरी ट्रिक के अंदर, बाकी काम सिर्फ इक्वल्स टू का होता है। कितनी बार प्रेस करेंगे 19 टाइम्स, ठीक है ना। तो आपको जब भी कैलकुलेटर लेना है, अगर ये मॉडल नहीं मिल रहा तो आप ये वाली ट्रिक ट्राई करना, क्या उस पर काम कर रही है, क्या उस पर मैं अगर 2 × 2 प्रेस कर रहा हूँ तो नंबर चेंज हो रहा है,
अगर नहीं, अब कई कैलकुलेटर्स में क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय इक्वल टू दबाओगे 4 आ जाएगा, उसके बाद इक्वल टू दबाते रहोगे 4 के आगे बढ़ेगा ही नहीं नंबर, ट्रिकी काम नहीं करती भाई। बात समझ आई आप लोगों को क्या दिक्कत है? ठीक है ना, एक बार दबाया 4 आ गया, बट बाकी दबाए जा रहे हो आगे नंबर चेंज ही नहीं हो रहा, ट्रिक फेल, आगे दिक्कत आएगी क्लासेस के अंदर, क्योंकि आगे जब हम चैप्टर्स पढ़ेंगे, पार्ट्स बड़ी बड़ी होंगी, बहुत सारे चैप्टर्स के अंदर आपको ये ट्रिक्स का यूज करना होगा, ठीक है ना, आप कर ही नहीं पाओगे। अगला सुनो, ये हम ट्रिक डिटेल में डिस्कस करेंगे इन टाइम वैल्यू ऑफ मनी चैप्टर, अभी सिर्फ क्योंकि कैलकुलेटर लेना है तो मैं उसका कुछ पोर्शन आपको बता रहा हूँ जो रेलेवेंट है। अब अगर आपको 1/2 to the power 5 निकालना है, ठीक है ना, 1/2 to the power 5 निकालना है, तो आप लोग क्या करोगे, आप पहले 2 to the power 5 निकालोगे कैलकुलेटर पे, ठीक है ना, कैसे, 2 multiplied by is equal to, आपको ट्रिक याद हो गई वो वाली, और आ जाएगा 32, फिर आप 1/32 करोगे आपका आंसर आएगा, इट विल टेक टाइम। अगर ऐसे आगे 1/1.045 to the power 17, तो आप क्या करोगे, पहले तो आप 1.045 to the power 17 निकालोगे, कैसे निकालोगे, 1.045 into is equal to 16 bar 16 टाइम्स, और फिर आप क्या करोगे, 1/1 आंसर, फिर आपका फाइनल आंसर आएगा, अगेन टाइम जा रहा है, इसमें भी टाइम जा रहा है, ठीक है ना, क्योंकि आपको बार बार चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला एक काम करेंगे, ट्रिक से अगर इसे सॉल्व करना है तो एक काम करेंगे, काम बहुत ईजी है, अरे मिट जा भाई, आपको क्या करना है, कैलकुलेटर पे 1 है, 1 लिखना है, डिवाइडेड बाय का बटन दबाना है क्योंकि डिवाइडेड बाय है, और फिर 2 प्रेस करना है क्योंकि 1/2 क्या है, 2 है। अब जैसे ही 1/2 करेंगे कैलकुलेटर के ऊपर, आपका आंसर आ जाएगा इक्वल्स टू प्रेस करने पे 0.5, तो 1/2 का आंसर 0.5 होता भी है, 1/2 यानी 1/2 क्या होता है, 0.5 होता है, सिंपल सी बात है। अब एक बार प्रेस करने पे आपका आंसर क्या आ गया, 1/2 की पावर 1, आपने एक और बार इक्वल्स टू प्रेस किया, आपका आंसर आ गया, पहले आ रहा था 0.5, अब आ गया 0.25, यानी कि आ गया 1/2 का स्क्वायर का आंसर, 1/4 क्या होता है, 0.25, फिर आपने एक और बार इक्वल्स टू प्रेस किया, आंसर आ गया 0.125, अब बताओ 1/2 cube क्या होता है, यानी 1/8 क्या होता है, 0.125, यानी कि अब जितनी बार आप इक्वल्स टू प्रेस कर रहे हो उतनी बार आपकी पावर बढ़ती जा रही है। बट यहाँ पर कैच क्या है, यहाँ पर कैच ये है कि जब मैंने पहली बार इक्वल्स टू प्रेस किया तो आंसर 2 की पावर 1 का आया, 1/2 की पावर 1 का आया, ना कि 1/2 की पावर 2 का आया। तो यहाँ पर जितनी पावर है उतनी बार इक्वल्स टू प्रेस करना है, अगर 5 पावर है तो 5 बार इक्वल्स टू प्रेस करना है, अगर 17 पावर है तो 1/1.045 और 17 बार इज इक्वल टू प्रेस करना है 17 टाइम्स, यानी कि मल्टीप्लाई वाले केस में आपको पावर -1 टाइम्स इक्वल टू प्रेस करना होता है, और वहां पे मल्टीप्लाई का बटन यूज करना होता है, ठीक है ना, और डिवाइड वाले केस में 1/1 समथिंग है, तो इस केस में आपको डिवाइड का बटन यूज करना है और जितनी पावर है उतनी बार इक्वल्स टू प्रेस करना है, ये ट्रिक्स काम करनी चाहिए। तो आप क्या करोगे, जब भी कैलकुलेटर लेने जाओगे 2 multiplied by is equal to प्रेस करना, देखना नंबर चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा, अगर हो रहा है अच्छी बात है, फिर 1/2 is equal to प्रेस करना बार बार, देखना नंबर चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा, अगर हो रहा है तो ठीक है, अगर ये दो चीजें काम कर रही हैं तो वो कैलकुलेटर लेकर के आ सकते हो। आ रही बात समझ, ये दो ट्रिक्स अगर काम कर रही है तो बाकी सारी ट्रिक्स भी काम करेंगी, ये दो ट्रिक्स है जो जनरली काम नहीं करती, बाकी तो कर जाते हैं, दिक्कत यह, तो ये दो काम कर रही है तो बाकी तो अपने आप काम कर जाएंगी। अगर आपको ये देखना है कि आपका जो कैलकुलेटर है वो ओरिजिनल ही हो और दुकानदार डुप्लीकेट ना चिपका दे, ठीक है ना, हो सकता है ना चिपका दे बोल करके ओरिजिनल है, तो उसका भी एक तरीका है, वो तरीका क्या है, कैलकुलेटर में है ना बटन्स होते हैं बहुत सारे, ये MJ12D है जो मैं आपको बोल रहा हूँ, और इसके अंदर ही 3 बटन्स होते हैं, MRC, M+ और M-, कौन से बटन्स होते हैं साइड में, 3 बटन्स, MRC, M+ और M-, ये 3 बटन से, देख रहे हैं आप लोगों को, ये 3 यहाँ पे दिख रहे होंगे, अरे तू भी देखो, देखो ये 3 बटन, ठीक है। अब इन 3 बटन का पर ये जो 3 बटन इनका बहुत यूज करने वाले हम लोग, बहुत हेल्प करेंगे हम लोगों की, इनका पर्पस क्या है वो समझो। अगर मैंने कैलकुलेटर पर कोई भी नंबर टाइप किया, लेट्स से 2 टाइप किया और इसके बाद मैंने क्या प्रेस कर दिया, M+, तो 2 जो है वो कैलकुलेटर की मेमोरी में चला गया, M+ यानी कि मेमोरी प्लस, मेमोरी में चला गया। फिर मैंने एक बटन प्रेस किया, लेट से 5 और फिर M+ दबा दिया, तो 5 भी कैलकुलेटर की मेमोरी में चला गया। फिर मैंने लेट से 10 के बाद M+ प्रेस कर दिया, 10 के बाद M+ प्रेस कर दिया, तो 10 भी कैलकुलेटर की मेमोरी में चला गया। अब जैसे आपकी मेमोरी है
ये इन तीन नंबर के साथ कुछ भी कर सकती है, मल्टीप्लाई प्लस डिवाइड कुछ भी कर सकती है, ठीक है ना। बट कैलकुलेटर की मेमोरी इन तीन नंबर के साथ सिर्फ एक ही काम कर सकती है, और वो काम है इन नंबर्स को ऐड करना। यानी कैलकुलेटर की मेमोरी को एक ही काम आता है ऐड करना, कुछ भी नहीं आता उसको। तो क्योंकि कैलकुलेटर की मेमोरी में तीन नंबर्स गए हैं, तो कैलकुलेटर की मेमोरी ने क्या किया होगा, इन तीनों को ऐड कर दिया होगा। बताओ इन तीनों का टोटल क्या होता है, 17। अब अगर आप MRC बटन को एक बार प्रेस करोगे, MRC, तो आपके कैलकुलेटर पे 17 आएगा, ठीक है। यानी कैलकुलेटर की मेमोरी में क्या आया, जो भी गया है उसको रिकॉल करो, यानी MR मतलब की मेमोरी रिकॉल। तो क्या बोलेगा, एक बार बटन प्रेस करने पर भाई जो भी गया उनका सम टोटल ये है। और अब आप बोलोगे सर MRC का सी का क्या मतलब है। अब आता है इंपॉर्टेंट रोल। सुनो, जैसे ही आप कैलकुलेटर पर पहली बार M+ बटन दबाते हो, तो आपके कैलकुलेटर की स्क्रीन पर यहाँ पर एक छोटा सा M जो है वो आ जाता है, और ये M आपको याद दिलाता है बार बार कि भाई मेमोरी में कुछ पड़ा हुआ है, कैलकुलेटर की मेमोरी में कुछ पड़ा हुआ है। अब इस मेमोरी को क्लियर कैसे करें, तो आपको लगेगा फिर ये जो AC और C बटन है इनको प्रेस कर दो, क्लियर हो जाएगी। या फिर इसे पढ़ा रहे हैं तो 15-20 मिनट तक ऑफ होगा, दोबारा ऑन करो क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना। आंसर इज इन सभी तरीकों से मेमोरी क्लियर नहीं होती ओरिजिनल कैलकुलेटर की। अगर एक फेक कैलकुलेटर होगा ना, उसमें जैसे ही आपने क्या करना है, 2 के बाद M+ दबाना, आपका M वाला साइन आ जाएगा। और अगर आपने कैलकुलेटर पे AC या C यानी क्लियर या ऑल क्लियर वाला बटन प्रेस किया, ये मेमोरी का साइन गायब हो जाएगा। किस पर, फेक कैलकुलेटर पर, बट ओरिजिनल कैलकुलेटर पे गायब ही नहीं होता। इसको गायब करने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है, एक ही तरीका बना, इसके अलावा कोई तरीका ही नहीं बना। इसको क्लियर करने का सिर्फ एक तरीका है, MRC बटन को दो बार रैपिडली प्रेस करना। क्योंकि जब हम एक बार प्रेस करते हैं तो मेमोरी रिकॉल करता है, और दूसरी बार प्रेस करते हैं तो मेमोरी क्लियर कर देता है। MR मेमोरी रिकॉल, MC मतलब मेमोरी क्लियर। तो अगर आपका ये M AC या C बटन प्रेस करने से गायब हो जाता है, तो वो कैलकुलेटर फेक है। और अगर इससे गायब नहीं होता तो कैलकुलेटर ओरिजिनल है। फिर देख लेना एक बार, क्या MRC बटन को दो बार जल्दी से प्रेस करने से वो गायब हो गया। अगर हो गया तो अच्छी बात है। अच्छा, ये जो दो बार प्रेस करने से जल्दी गायब है ना, ये दोनों कैलकुलेटर्स में जाता है, ओरिजिनल में भी होता है, फेक में भी होता है। तो सिर्फ ये देखना कि MRC बटन को दो बार प्रेस करने से हम गायब हो रहा है नहीं हो रहा, ये ओरिजिनल या फेक की पहचान नहीं है, क्योंकि दोनों में हो जाता है। ओरिजिनल फेक की पहचान है कि क्या इन दो बटन को प्रेस करने से हम गायब हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर हो रहा है एम गायब हो रहा है तो फेक है, नहीं हो रहा तो ओरिजिनल है। तो तीन चीज आप लोगों को चेक करनी है, ठीक है ना, कि भाई पहले वाली ट्रिक काम करे। यानी कि 2 × मैं बता देता हूँ, समराइज कर देता हूँ, मैं सब 2 के साथ ही करता हूँ, ठीक है ना। 2 × प्रेस करने पर नंबर चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा हर बार। 1 / 2 = प्रेस करने पर नंबर चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा हर बार। एक 2 के बाद मैंने M+ दबाया और फिर C या AC बटन प्रेस किया, तो जो कैलकुलेटर की स्क्रीन पर मेमोरी था यहाँ पर, वो गायब हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है ना। अगर गायब हो गया तो फेक है, और गायब नहीं हुआ तो ओरिजिनल है। क्लियर हो गई बात, ठीक है। चलो भाई, आज के लिए इतना ही रखेंगे, अगली क्लास में मिलेंगे और खूब मजे करेंगे। बेटा सेजल 10th प्रॉपर्टी।